गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलते हैं क्लास 12th इंग्लिश आपका सेकंड चैप्टर चलेंगे। और सेकंड चैप्टर पर चलने से पहले बच्चों, सेकंड चैप्टर पर चलने से पहले जो भी बच्चे अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहली बात, जो भी बच्चे अभी चैनल पर पहली बार वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग लास्ट स्प्रिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, हो सकता हो 1 घंटे का वीडियो हो सकता हो 1 घंटे से 1.5 घंटे का भी वीडियो बन सकता है। तो हो सकता है लंबा वीडियो हो, कोई बात नहीं, आपको डरने की बात नहीं। ये पूरा चैप्टर आज हम लोग एक एक लाइन देखेंगे, एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप लोग वीडियो को एक दो बार में देखिए, एक बार में अगर आप बैठ के नहीं देख पा रहे, दो बार में वीडियो देखिए, कोई बात नहीं है, तो ये आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। एक एक वर्ड मीनिंग के साथ हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपका ये प्रोज का सेकंड चैप्टर है, प्रोज का सेकंड चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग आपके जो है प्रोज वाले सेक्शन में आपका सेकंड चैप्टर क्लास 12th प्रोज मीन्स फ्लेमिंगो का आपका सेकंड चैप्टर क्या है, नया नया जो सिलेबस आया है उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग बच्चों है आपका फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर है। पहले चैप्टर का हम लोग सारी चीजें कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने करा दिया है, लॉन्ग आंसर पहले चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हुए हैं, आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं, और लैंग्वेज स्टडी मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने करा दिया है, और उसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन था उसको भी हमने करा दिए हुए हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है आप यूपी बोर्ड क्लास 12th आप 12th और न्यू सिलेबस करके देखोगे, एक जो है आपका बना हुआ है, आप वहां से जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपका एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप क्या नाम क्या है, क्लास 12th यूपी बोर्ड न्यू इंग्लिश न्यू सिलेबस, वहां पर देखोगे आपके सारी वीडियो पड़े हुए हैं, वहां से आप जाकर के सारी वीडियो देख सकते हो। आज हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट स्प्रिंग के बारे में, लास्ट स्प्रिंग के बारे में इसमें कहानी क्या है और इस कहानी क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन क्या क्या होगा, कैसे होगा। पहले 2 मिनट आप कहानी समझ लो, फिर इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। 2 मिनट कहानी समझ लो पहले। इसमें क्या है कि राइटर जो है एनी जंग जो है शुरुआती अपने दिनों में जो है एक अनुभव करती है, और अनुभव उनका कैसा रहता है। चैप्टर का नाम लास्ट स्प्रिंग क्यों पड़ा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लास्ट मींस खोया हुआ, स्प्रिंग मींस बसंत, जिसका बसंत खो गया हो। अब ऐसा नहीं कि बसंत ही खो गया है, अब इसके भी पीछे वजह है। चैप्टर का नाम लास्ट स्प्रिंग क्यों पड़ा है, इसके भी पीछे वजह है, हम इसे भी बताएंगे आपको। तो पहले थोड़ा सा कहानी सुनिए। एनी जंग जो है अपनी बचपन में अनुभव करती है, एक जो है लोगों को देखती है, एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है, तो उन्हें 2 बच्चे उन्हें मिलते हैं, और 2 बच्चे कौन कौन से मिलते हैं उन्हें, उनमें पहले बच्चे का नाम रहता है साहेब, पहले बच्चे का नाम रहता है साहेब, और दूसरे बच्चे का नाम रहता है मुकेश। 2 बच्चों से इन्हें जंग मिलती है, पहले बच्चे का नाम रहता है साहेब, दूसरे बच्चे का नाम रहता है मुकेश। साहब एक जो है गरीब बच्चा है, साहेब और मुकेश दोनों गरीब बच्चे हैं, और जो साहेब बच्चा है, साहेब लड़का है, ये रैग पिकर्स है। रैग पिकर्स मीन्स होता है कूड़ा करकट बीनने वाला, कूड़ा करकट बीनने वाला, रैग पिकर्स। रैग पिकर्स मीन्स क्या होता है, कूड़ा करकट बीनने वाला। साहेब साहेब क्या है जो है कूड़ा करकट बीनने वाला एक बच्चा है, और जब कूड़ा करकट ये बीनता रहता है, तो ये इसके मीन्स एनी जंग के बगल में ही, पड़ोस में ही रहता है, और जब पड़ोस में रहता है तो सारी चीज़ें उसको बार बार देखती हैं, तो उससे परिचय हो जाता है। एनी जंग जो है उससे बात करती हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम कूड़ा करकट क्यों उठाते हो। सारी चीज़ें उससे बात करने के बाद वो एनालिसिस करती हैं कि बड़ा गरीब है, और सारी चीजों के बारे में, जैसे कि वो पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, क्यों तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, बताता है कि हम यहीं पर रहे हैं, मुझे स्कूल जाना पसंद तो है, लेकिन स्कूल ही इस एरिया में नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर हमने स्कूल बनवा दिया तो तुम जाओगे स्कूल, तो कहता है बिल्कुल जाएंगे। तो लेकिन फिर उन्हें अपने आप भी लगता है, खोखलापन लगता है कि हमने क्यों ऐसा कहा कि जबकि हम स्कूल बनवा ही नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें जो है उस बच्चे के बारे में लगता हुआ है। तो उस बच्चे का जीवन जो है एक रैग पिकर्स का जीवन अब समझ सकते हो। और यह बच्चा कहां से आया था, 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश का जो है जब एक देश बना हुआ था, बांग्लादेश को अलग किया गया था, तो उस समय जो है जब विभाजन के समय, बांग्लादेश के विभाजन के समय जो है ये बच्चे आकर के ढाका से जो है ये बच्चे सीमापुरी के आसपास रह रहे थे। सीमापुरी एक क्षेत्र है, दिल्ली के पास क्षेत्र है, सीमापुरी में रहने लगे थे वो, वहां के बच्चे यहां आकर के रहने लगे थे, और इनका व्यवसाय ही हो गया था,
इनका व्यवसाय क्या हो गया था, कूड़ा करकट उठाने का। ये बच्चे जो है कूड़ा करकट उठाने का इनका व्यवसाय ही हो गया था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये परेशान हो जाते थे, मीन्स उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी, ये बच्चों का ये जीवन काल था। ठीक है, एक ये हो गया जो है साहिब की बात हो गई, और साहिब का नाम पूरा था साहिब ए आलम। जब इस बच्चे का नाम वो पूरा पूछती हैं तो बताता है मेरा नाम पूरा साहिब ए आलम है, तो उसे उनके उन्हें जानकर के आश्चर्य होता है। वो सोच कहती हैं कि अगर इस बच्चे को अपना नाम का पूरा अर्थ पता चल जाएगा, साहिब ए आलम का मीनिंग क्या है, तो ये बड़ा आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि साहिब ए आलम की मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मीन्स संपूर्ण संसार का मालिक। और ये तो एक रैग पीकर से मीन्स जो है कह सकते हो कूड़ा करकट बीनने वाला, अगर उसके नाम का पता चल जाएगा कि हम क्या है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, मीन्स संसार के मालिक है, तो अपने नाम से ही वो शर्मिंदा हो जाएगा, ऐसे भी वह कहती हैं। ये तो पहले बच्चे की बात हो गई। अब दूसरा बच्चा है मुकेश, और ये लास्ट में हाँ साहिब आलम लास्ट में क्या करने लगता है कि अभी तक कूड़ा करकट बीनता है, रात लास्ट में जो है चाय की दुकान पर काम करने लगता है, तो वहाँ पर वो मालिक के गुलाम हो जाता है, तो उसे वहाँ पर गुलामी करने लगता है एक तरह से, क्योंकि मालिक के अंदर काम करना पड़ता है, तो मालिक है कहीं ना कहीं गुलाम हो जाता है। तो उस चीज़ को भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो अभी तक बच्चा फ्री रहता था कूड़ा करकट बीनने, फ्री रहता जहाँ मन करता था, लेकिन अब गुलामी के उसके अंदर कहीं ना कहीं भावना आ गई है। तो ये हो गया पहले बच्चे की कहानी। दूसरा बच्चा है मुकेश। मुकेश की कहानी क्या है, मुकेश की कहानी, मुकेश भी गरीब है, लेकिन मुकेश स्वप्न देखता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश स्वप्न देखता है कि मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ, और मुकेश उस फिरोजाबाद की गली से गुजरता है, मीन्स गली में रहता है फिरोजाबाद की, जहाँ पर चूड़ियाँ, जो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों जहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, फिरोजाबाद की हर गली में हर घर में लोग चूड़ियाँ बनाते आपको मिल जाएंगे। तो वह उस गली उस गाँव से जो है बिलोंग करता है मुकेश, मुकेश उस से बिलोंग करता है। आज मुकेश उस गांव से बिलोंग करता है, तो वहां पर चीजें क्या होती हैं, सभी जो है सभी ए टू जेड वहां पर क्या करते हैं, लोग चूड़ियां बनाते हैं। जब लोग वहां पर पूरी चूड़ियां बनाते हैं, तो मुकेश भी उसी में था, तो इनका परिवार, वहां का भी परिवार बड़ा गरीब था, मुकेश का भी परिवार बहुत गरीब था। जब मुकेश का भी परिवार बहुत गरीब था, तो इन्हीं जंग वहां पर भी जाकर एनालिसिस करती हैं, लेकिन मुकेश में एक क्वालिटी थी कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो है एकदम उदंड था, मीन्स तैयार था, और लास्ट में अपने सपनों को पूरा भी करता है अपने सपनों को। वह जो गाड़ी सीखने की गैराज में जाता है गाड़ी सीखने के लिए, हालांकि उसके घर से बड़ा दूर था, गैराज काफी दूर था, फिर भी जो है वह गाड़ी सीखने के लिए कहता है कि हम पैदल चले जाएंगे गैराज तक, हम पैदल चले जाएंगे। तो वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ता भी है, तो इन जिंग थोड़ा सा उसकी तारीफ भी करती है, क्योंकि वह किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था। और लास्ट में जब उससे पूछती हैं कि एरोप्लेन, फिरोजाबाद की गलियों के ऊपर से एरोप्लेन बहुत कम गुजरते थे, जब उससे वह पूछते हैं क्या एरोप्लेन के ड्राइवर को ड्राइवर बनना चाहता है, तो वह जो है कहता है कि नहीं, हम इतनी जो है, क्योंकि शर्मा जाता है, कहता है कि इतना मेरी ख्वाहिश नहीं है। मीन्स ये सोचते हैं कि जो है बच्चे की देखिए कितनी मासूमियत है, अपने में जितने तक है उतने में ही सीमित रहना रहता है। और वहाँ पर कंडीशन दिखाया गया है, इस चैप्टर में कंडीशन दिखाया गया है कि जो बैंगल्स करते हैं, मीन्स चूड़ियाँ जो बनाते हैं, वो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि लोग वहाँ पर जो भी उसमें काम करते हैं उनके पूरे शरीर झुलस जाती है, कभी कभी कोई अंधा भी हो जाता है, ठीक है, बैंगल्स बनाने में। तो उन सारी भी कंडीशन को दिखाया गया है कि लोग अंधे भी हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों को दूसरी कंडीशन में दिखाया गया, मीन्स मुकेश के परिवार के बारे में दिखाया गया है। मुकेश कहाँ का था, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियाँ बनाने के लिए, तो उन चूड़ियों के बारे में भी पूरा चर्चा किया गया है। तो यहाँ दो स्टोरी है, यही दोनों स्टोरी है। अब चैप्टर का नाम देखो लास्ट स्प्रिंग क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों का बसंत खो गया है, दोनों बच्चों का बसंत खो गया है। अब ये जरूरी नहीं कि लास्ट स्प्रिंग मीन्स बसंत खो जाना, मीन्स यही ऋतु ही चली जाना, ऐसा नहीं होता है। एक ही मीनिंग वर्ड की कई सेंस में मीनिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ दोनों बच्चों का बसंत खो गया है, अर्थात उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, उनका जीवन लिमिटेड हो गया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा लास्ट स्प्रिंग मीन्स खोया हुआ बसंत। बच्चों ये हो गई इसकी स्टोरी हो गई। अब इसके हम लोग एक एक लाइन की जो है एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन पे एक एक लाइन पे चलते हैं। बच्चों ये है आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन, यहाँ से शुरू होता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन दी गार्बेज। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, आई फाइंड मीन्स मैं पा जाता हूँ, अ रूपी इन दी गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट में, अ रूपी मीन्स एक रुपए,
कभी कभी मैं कूड़े करकट में से एक रुपए पा जाता हूँ। समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड मैं पाता हूँ अ रूपी मीन्स एक रुपए को इन दी गार्बेज। गार्बेज में मीन्स कूड़े करकट में। गार्बेज मीन्स बच्चों क्या होता है, कूड़ा करकट। कभी कभी कूड़े करकट में से मैं कितने रुपए पा जाता हूँ, एक रुपए पा जाता हूँ। यह बात कौन कह रहा है, मुकेश कह रहा है बच्चों। यह बात कौन कह रहा है, मुकेश कह रहा है। मुकेश बच्चों कह रहा है, नहीं नहीं बच्चों कौन सा कह रहा है, साहब कह रहा है। यह बात कौन कह रहा है, साहब कह रहा है कि मैं कभी कभी, क्योंकि मुकेश तो फिरोजाबाद का है, ठीक है, कि मैं कभी कभी जो है गार्बेज में कूड़े करकट में एक रुपए पा जाता हूं। अब देखो इनी जंग क्या कहती है, वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, तुम इसे क्यों करते हो। वाई डू यू डू दिस, तुम इसे क्यों करते हो, मतलब अर्थात तुम इस कार्य को क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। साहेब कौन है बच्चों, वह जो है रैक पिकर से मींस कूड़ा करकट उठाने वाला बच्चा है। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा, हुम आई इनकाउंटर, जिनसे मेरी मुलाकात हो जाती थी। इनकाउंटर मीन्स होता है बच्चों सामना होना। इनकाउंटर मीन्स क्या होता है, सामना होना। हुम आई इनकाउंटर, जिससे मेरा सामना हो जाता था। एवरी मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह, जिससे मेरा प्रत्येक सुबह सामना हो जाता था। स्काउंजिंग, जो वह ढूंढता रहता था, खोजता रहता था। स्काउंजिंग फॉर गोल्ड, जो धन को खोजता रहता था, संपत्ति को, सोने को। गोल्ड मीन्स यहाँ सोना नहीं होगा बच्चों, धन होगा। जो धन को खोजता रहता था, पैसे को खोजता रहता था, इन दी गार्बेज डम्स। गार्बेज डम्स मीन्स बच्चों क्या होता है, कूड़ा करकट। गार्बेज डम्स मीन्स बच्चा बच्चों क्या होता है, कूड़े करकट फेंकने का स्थान जो होता है, गार्बेज डम्स उसे बोलते हैं। कूड़ा करकट फेंकने वाला जहां स्थान होता है उसे बच्चों क्या बोलते हैं, गार्बेज डम्स। वह गार्बेज डम्स में मीन्स कूड़ा करकट फेंकने वाले स्थान में से क्या धन को, मीन्स पैसे को, रुपए को खोजता रहता था। आप माई नेबरहुड, और मेरे पड़ोस में ही, मेरे पड़ोस में ही वह कूड़े करकट वाले स्थान से पैसे खोजता रहता था, पैसे ढूंढता रहता था। तो मेरा उससे क्या हो जाता था बच्चों, इनकाउंटर हो जाता था, अर्थात सामना हो जाता था। इनकाउंटर मीन्स बच्चों क्या होता है, सामना होना। अब आगे चलते हैं बच्चों। साहब लेफ्ट हिज होम, साहब अपने घर को छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो मीन्स काफ़ी पहले, बहुत पहले। साहब अपने घर को बहुत पहले ही छोड़ चुका था, मीन्स साहब वह रैक पिकर्स, वह कूड़ा करकट उठाने वाला बच्चा बहुत पहले ही अपने घर को छोड़ चुका था। सेट एमिडस्ट मीन्स स्थापित हो गया था, रुक गया था। एमिडस्ट मीन्स बीच में। द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, वह कहां पर रहता था, ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित। ठीक है, तो क्या हो गया, साहब लेफ्ट हिज होम, लांगे को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट, स्थित था उसका घर, मकान, द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका मकान कहां पर था, जो वास्तविक मकान था, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदानों में। उसका घर, उसका घर स्थित था, कहां पर स्थित था, या बीच में, कहां किसके बीच में था, ढाका के हरे भरे मैदानों में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब उसका घर दूर की भी स्मृति में भी नहीं है। इवन अ डिस्टेंट, डिस्टेंस मीन्स बच्चों क्या होता है, दूर के भी, मेमोरी मीन्स स्मृति में। अब उसका घर दूर की भी स्मृति में नहीं है, अर्थात उसके पूरे दिमाग में कहीं भी अब उसका घर नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आते थे। That swept away their fields, जो उसके खेतों को swept away, swept away means क्या होता है, उड़ा ले जाना। swept away means क्या हो जाता है, उड़ा ले जाना। जो उसके खेतों को, एंड होम्स मीन्स घर को, जो उसके घर और खेतों को उड़ा ले जाते थे, ऐसे बहुत सारे तूफान आते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती हैं, उसकी माँ उसे बताती हैं कि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उसके खेतों को, घरों को क्या कर ले जाते थे, उड़ा ले जाते थे, ऐसा उसकी माँ बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण था वह उसे छोड़ चुकी थी, अर्थात उस घर को छोड़ चुकी थी। लुकिंग फॉर गोल्ड मीन्स पैसे की तलाश में, अब गोल्ड यहां सोना नहीं होगा बच्चों, पैसा होगा, पैसे की तलाश में। इन बिग सिटी मीन्स बड़े शहर में, बड़े शहर में, इसी वजह से वह छोड़ चुकी थी, घर को छोड़ तो चुकी थी, पैसे के तलाश में बड़े शहर में आ गई थी। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर वह इस समय रहती
जहां पर वह इस समय रह रही हैं, यही जगह पर पैसे की तलाश में, मीन्स पैसे की खोज में वह यहां पर आ गई थी। मीन्स पैसे कमाने के लिए वह अपने ढाका वाले घर को छोड़ करके यहां पर आ गई थी, शहर में आ गई थी। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ठीक है, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। मेरे पास, आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ नहीं है। टू डू मीन्स करने के लिए, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, वह धीरे से बुदबुदाता है, धीरे से कहता है। मटर्स मीन्स बुदबुदाना, अर्थात धीरे से कहना, धीमे स्वर में कहता है। ही मटर्स, वह धीमे स्वर में कहता है। लुकिंग अवे, सबसे बड़ी बात, लुकिंग अवे मीन्स होता है नजरें छुपाते हुए। लुकिंग अवे मीन्स बच्चों क्या होता है, नजरें छुपाना। वह नजरें छुपाते हुए कहता है, धीरे से कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और नहीं है करने के लिए, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। गो टू स्कूल, क्या कराओ, गो टू स्कूल मीन्स स्कूल जाया करूँ। आई से ग्लीबली, ग्लीबली मीन्स बच्चों होता है, ग्लीबली मीन्स धारा प्रवाह में, मीन्स भाव भाव में ही। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लीबली, मैंने धारा प्रवाह में ही बोल दिया, अर्थात जब आप कोई बात बोल रहे हो तो उसी बीच में कोई और बात जोड़ते चले जाओ, आप उस चीज़ को एहसास ही ना करो, उसे कहेंगे ग्लीबली। मैंने धारा प्रवाह में ही बोल दिया। रियलाइजिंग इमिडिएटली, तभी तुरंत मुझे एहसास हुआ। हाउ हॉलो, कितना खोखला, दी एडवाइस मस्ट साउंड, यह मेरी सलाह कितनी खोखली थी। तभी मुझे तुरंत, इमिडिएटली मीन्स तुरंत तुरंत महसूस हुआ कि यह मेरे मेरी जो सलाह थी उसके लिए कितना खोखली थी। अर्थात जो है, हम इस सलाह को तो भले कह दिए स्कूल जाया करो, लेकिन उसके लिए यह कितना खोखला होगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई स्कूल भी नहीं था, तो वह कैसे स्कूल जाता, तो इसलिए खुद कह रहे हैं, मैंने ग्लीबली कह दिया, अर्थात भाव भाव में, धारा प्रवाह में बोल तो दिया, लेकिन यह उसके लिए कितना खोखला होगा, खोखली सलाह उसके लिए होगी। तो बच्चों, ये हो गया आपका पहले पैरा, फर्स्ट पैरा का एक्सप्लेनेशन बच्चों हो गया, फर्स्ट पैरा का बच्चों एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पैरा पे बच्चों, सेकंड पैरा पे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग सेकंड पैरा पे आ जाते हैं बच्चों, हम लोग सेकंड पैरा पे आ जाते हैं। सेकंड पैरा पे आने से पहले जो भी बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए इस समय जो है 1 बज रहा होगा, रात 1 बज रहा होगा, आपके लिए 1 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए ही इतनी रात को वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए आप जो है वीडियो का जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप स्कूल नहीं आ पाते हो, कोचिंग नहीं आ पा रहे हो, और आप घर बैठे आसानी से पढ़ ले रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो इसलिए आपसे की इतनी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और अवश्य कर लेंगे, और जो भी आपके साथी आ रहे हैं उन तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो जो है आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आप जो है शेयर करोगे, सभी बच्चों का कल्याण हो जाएगा। तो रात में है इसलिए थोड़ा सा अस्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा आप लोग को, तो बीच बीच में देखो मच्छर भी उसी में आ जा रहे होंगे बीच बीच में कहीं कहीं, तो उसे आप समझ जाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, देयर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं था, इन माई नेबरहुड मीन्स मेरे पड़ोस में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था, जबकि उसने कहा था कि तुम स्कूल जाया करो, तो अब वह खुद बता रही है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। देर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, वेन दे बिल्ड वन, जब कोई बनवाएगा, दे मीन्स वे बनवाएंगे, अर्थात कोई बनवाएगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मीन्स जो है यहाँ पर कौन कह रहा है बच्चों, यहाँ पर जो है साहिब कह रहा है कि जब कोई बनवाएगा स्कूल, मैं, आई विल गो, मैं स्कूल जाऊंगा, अगर कोई स्कूल बनवा रहा है तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे, यदि मैं स्कूल एक शुरू करूं, मैं स्कूल एक बनाऊं, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं आधा मजाक करते हुए कही, मैं आधा मजाक करते हुए पूछी कि यदि मैं स्कूल बनवाऊंगी तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछी, हाफ जोकिंग मीन्स आधा मजाक करते हुए, मीन्स मजाक के मूड में मैंने उससे पूछा। यस, हाँ,
ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह बड़े विस्तार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अवश्य आएंगे, अगर आप स्कूल बनवाएंगे तो अवश्य आएंगे, क्यों नहीं आएंगे स्कूल जो है भाई, बच्चा तो पढ़ने के लिए जो है उसे कूड़ा करकट कौन बिनना चाहेगा, जो है स्कूल आने के लिए अगर बारी आएगी उसके मौका मिलेगा तो अवश्य स्कूल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद आई सी, मैंने देखा हिम रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़ते हुए आया। ठीक है, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वह मेरे पास दौड़ते हुए आया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद आई सी हिम, मैंने उसे देखा रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़ते हुए आया। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, क्या पूछने के लिए आया था, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, यह पूछने के लिए वह दौड़ते हुए आया था। ठीक है, कुछ दिनों बाद दौड़ते ही वह मेरे पास आया और पूछने के लिए कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था स्कूल बनवाएंगे। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनाने में बड़ा लंबा समय आता है। इट टेक्स यह लेता है, लॉन्गर मीन्स लंबा समय, टू बिल्ड अ स्कूल मीन्स एक स्कूल बनवाने में, एक स्कूल बनवाने में बड़ा लंबा समय लगता है। आई से मैंने कहा, एम्बैरेस्ड मीन्स शर्मिंदा होते हुए, शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैंने कहा, एट हैविंग मेड अ प्रामिस, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा कर दिया था, दैट वॉज नो मीन्ट, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा वादा कर दिया था जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रॉमिसेस, लेकिन वादा, लाइक माइन, मेरी तरह, एयरबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। बट प्रॉमिसेस, लेकिन वादे, लाइक माइन, मेरी तरह, एबाउंड मीन्स बांधे हुए रहता था, चलता रहता था, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक मीन्स क्या होता है, नीरस या फीके, नीरस या फीके, ब्लीक मीन्स क्या होता है, नीरस या फीके, आप वर्ड मीनिंग लिखते चलोगे। उसके नीरस संसार के लिए ऐसे वादे उसके दिमाग मस्तिष्क में हमेशा चलने लगते हैं। उसके मिले एक वर्ड मीन्स नीरस भरे संसार में ऐसे अगर कोई वादा कर दे तो उसके दिमाग में हमेशा चलने लगते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम मीन्स आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिज हिम, मैंने उससे पूछा, हिज नेम मीन्स उसका नाम, आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, हिज नेम मीन्स उसका नाम। साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस, वह क्या कहता, अनाउंस करता है, घोषणा क्या करता है, कहता क्या है, अपना नाम बताता है, साहेब ए आलम, नाम अपना क्या बताता है बच्चों, साहेब ए आलम अपना नाम बताता है। ही डजंट नो वाट इज वाट इट मीन्स, वह नहीं जानता था इसका मतलब क्या है, मीन्स अपने नाम का मतलब नहीं जानता था, नाम था साहेब ए आलम, ही डजंट नो वाट इट मीन्स, वह नहीं जानता था इसका मतलब क्या है। If he knew it meaning, यदि वह इसका मतलब जानता, Lord of universe means संपूर्ण संसार का मालिक, साहेब-ए-आलम means क्या होता है, संपूर्ण संसार का मालिक, he would have hard time believing it, तो उसे बड़ा मुश्किल होता इसका विश्वास करना। यदि वह अपने नाम को, नाम के बारे में सही अर्थ जानता तो इसे मुश्किल होता अपने नाम के अर्थ को विश्वास करना। If he, हाँ कहाँ गया, अच्छा, unaware of what his name represents, unaware means न पता होना, unaware means जागृत होना, unaware means जागृत नहीं होना, means या फिर न पता होना, unaware of what his name represents, अपने नाम के बारे में नहीं जानता था कि उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है, represent means प्रस्तुत करता है, he roams the streets, रोम्स मीन्स होता है भटकना, सड़कों पर घूमना, ही रोम्स द स्ट्रीट, वह सड़कों पर घूमता था, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर भटकता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज मीन्स, बेयरफुट मीन्स होता है नंगे, नंगे पांव वाले बच्चों के साथ, बच्चों के ग्रुप के साथ। अब यहाँ शब्द आया है बच्चों आर्मी, आर्मी यहाँ पर समूह के सिर्फ दिखा रहा है, एन आर्मी मीन्स एक समूह, आप बेयर फुट, यहाँ आर्मी आप उस आर्मी को मत समझ लेना, एक समूह के वह दिखा रहा है। एन आर्मी आप बेयर फुट बॉयज, नंगे पैरों के बच्चों के समूह के साथ, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के निकलते हुए चिड़ियों के समान प्रतीत होते हैं, एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाते हैं, एट नून मीन्स दोपहर में, जो सुबह निकलते तो है, निकल चिड़ियों के निकलते समान, चिड़ियों के समान निकलते हुए प्रतीत होते हैं, निकलते हैं, अपीयर प्रकट होते हैं, एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाते हैं
हैं एट नून मीन्स दोपहर में, मीन्स सुबह तो निकलते हैं जो है क्या कहते हैं कि कूड़ा बीनने के लिए, लेकिन दोपहर होते होते किस एरिया में चले जाएं कुछ उनका भरोसा नहीं होता है, इसीलिए दिया है डिसअपियर एट नून मीन्स दोपहर में, गायब हो जाएं। अद ओवर द मंथ्स, महीनों से आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मीन्स महीनों से मिलने की वजह से मैं उनमें से प्रत्येक को क्या करने लगा था, पहचानने लगी थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, चप्पल्स वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछी, वन मीन्स एक, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछी वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, मीन्स नंगे पाँव हो, बेयर फुट हो, नंगे पाँव हो, तो मैंने पूछा कि चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा। My mother didn't bring them down from the shelf. Shelf क्या बच्चों होता है, ताक, ताक, shelf क्या होता है बच्चों, ताक, ताक क्या होता है, जहां पर किसी चीज को सुरक्षित रखा जाता है उसे ताक कहते हैं, एक ग्रामीण भाषा का शब्द है। My mother didn't bring them down from the shelf, मेरी माँ ताक से उन्हें उतारती ही नहीं है, उतारती ही नहीं है, मीन्स मेरी माँ चप्पल को सही जगह घर में जो है उसे मतलब रख दी है, अच्छे ढंग से रख दी है, मींस उसे ताक पर रख दी है, अर्थात जो है जैसे कोई चीज नहीं होता है घर में जो है कि जब कोई आप नई नई चीज होती है आप उसे जल्दी पहनते नहीं हो, उसे रखते हो, जैसे कोई कपड़ा पड़ा नया आप लाए हो तो कहते हो उसे रखे रहेंगे, जब शादी विवाह पड़ेगा किसी का तभी पहनेंगे, तो वैसे इन बच्चों के लिए चप्पल भी कुछ शादी विवाह के कपड़ों के ही समान थे, कुछ VIP ही चीजें थी, तो इसलिए उनकी माँ ने क्या कर दिया था, ताक पर रख दिया था। ठीक है, हाँ, माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम दी सेल्फ, मेरी माँ सेल्फ से उतारती ही नहीं है, ही आंसर सिंपली, वह बड़े सिंपली मीन्स बड़े नॉर्मली जो है उसने उत्तर दिया कि मेरी माँ उसे कहाँ से नहीं उतारती हैं, सेल्फ से नहीं उतारती हैं, अर्थात ताक से नहीं उतारती हैं। बच्चों अब हम लोग तीसरे पैरा की तरफ बढ़ जाते हैं, तीसरे पैरा की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग, और फिर जो भी बच्चे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं एक बार आप लोग शेयर करके आइए, फिर जो है तीसरे पैरे पे हम लोग चलते हैं। एक बार सभी बच्चों में आप शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे आपके साथ के हैं उनसे बता दीजिए कि इस चैनल के माध्यम से आपकी इंग्लिश की सारी क्लासेस चलेंगी, जो जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी सारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। आपका पैरा नंबर तीन है, क्या है, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, इवन इफ यहां तक कि यदि सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वह उन्हें जूते दे भी दें मीन्स चप्पल दे भी दें, ही विल थ्रो ऑफ देम, तो वह उन्हें क्या कर देता है, फेंक देता है, मीन्स यदि उसकी माँ चप्पल दे भी दें तो वह उसे क्या कर देता है, उतार देता है अर्थात फेंक देता है। एड्स एंड देर दूसरा बच्चा कहा, हु इज वेयरिंग, जो पहना हुआ था, वेयरिंग पहना हुआ था शूज मीन्स जूते को, दैट डू नॉट मैच, जो मिलता नहीं था, जो ऐसे जूते को पहना हुआ जो बच्चा था जो बेमेल जूते थे मीन्स दूसरे दूसरे रंग के जूते थे, दोनों पैरों में अलग अलग ढंग के जूते पहने हुए थे, बेमेल जूते। ये देखिए मच्छर आ गया है, मच्छर देखिए कितने प्यार से रेंग रहा है यहाँ पर, तो इसलिए कह रहे हैं कि इस समय आपका रात में 1 बज रहे हैं, तो क्योंकि फैन चला नहीं सकते, फैन चलाएंगे तो जो है मच्छर तो चला जाएगा लेकिन आवाज़ फंसने लगेगी, इसलिए जो है आपको आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी, इसलिए जो है फैन चला नहीं सकते हैं, तो या फिर आपका कूलर भी नहीं चला सकते हैं, तो इसलिए मजबूरन में जो है हमें वीडियो ऐसे बनाने पड़ रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं, तो वीडियो इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अवश्य फिर। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है। आगे चलते हैं, एड्स एंडर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, दूसरा व्यक्ति कहता है कि जो है यदि मेरी माँ चप्पल दे भी दें तो हम उसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, और वह बच्चा कहता है जो बेमेल जूते पहने हुए है। When I comment on it, जब मैं इसके बारे में कमेंट करती हूँ, पूछती हूँ, ही सफल्स मीन्स बच्चों होता है घसीटना, सफल्स मीन्स होता है बच्चों घसीटना, ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को क्या करता है बच्चों, घसीटता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है, वह अपने पैरों को घसीटता है और कुछ कहता नहीं है।
आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ, सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा उसमें से फिर कहता है कि आई वॉन्ट अ शूज, मैं एक जूते चाहता हूँ, हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल लाइफ ऑल हिज लाइफ, जो अपने पूरे जीवन में जूते को पहना नहीं था, जो अपने पूरे जीवन में जूते को नहीं पहना था, वह बच्चा क्या कहता है कि मैं भी एक पेयर क्या चाहता हूँ, जूता चाहता हूँ। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जो है यात्रा करने के बाद, आई हैव बीन सीन चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखा, वॉकिंग पेयर फुट मीन्स नंगे पांव चलते हुए, मैंने बच्चों को देखा नंगे पांव चलते हुए, इन सिटीज में शहरों में, ऑन विलेज रोड मीन्स गांव के सड़कों पर, शहरों में भी मैंने देखा बच्चों को नंगे पांव चलते हुए और गांव के सड़कों पर भी देखा मैंने बच्चों को नंगे पांव चलते हुए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी की वजह से नहीं है ऐसा कि पैसे की कमी है इसलिए वे नंगे पांव चल रहे हैं, इसलिए चप्पल नहीं पहने हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तब कैसा है बच्चों, देखो इसमें बताया गया है, ठीक है, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी या पैसों की कमी की वजह से नहीं, बट अ ट्रेडिशन, यह एक परंपरा बन गई है, टू स्टे बेयर फुट मीन्स नंगे पांव रहने की, यह पैसे की कमी की वजह से नहीं लेकिन एक नंगे पांव रहने एक परंपरा बन गई है, इज वन एक्सप्लेनेशन, यही उनकी एक क्या है, एक्सप्लेनेशन है मीन्स व्याख्या है, यही वे कहते हैं कि यह एक परंपरा बन गई है, यही उनकी क्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, व्याख्या होती है। जब मैं उनसे पूछती हूँ, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, वंडर मीन्स आश्चर्य होता है, इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज, यदि यह केवल एक बहाना होता है, टू एक्सप्लेन अवे मीन्स बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए, परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेक्चुअल में सतत हमेशा रहने वाली, और यही एक वजह होती है जो उनके हमेशा जो है गरीब रहने वाली के क्या है, फिर से एक बार, आई वंडर इफ, मुझे आश्चर्य होता है, दिस ओनली एन एक्सक्यूज, यह केवल एक मात्र बहाना होता है, टू एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करने के लिए, बताने के लिए, अवे अ परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स उनके हमेशा गरीब बने रहने का बहाना बनाने के लिए, यही जो है उनका एक बहाना होता है, मीन्स व्याख्या बताते हैं कि यही उनका एक बहाना होता है कि यह क्या है, एक क्या कह सकते हो, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, परंपरा है, यही वे एक बहाना बना लेते हैं, तो इस बात के लिए मैं जो है आश्चर्य भी कर सकती हूँ, करती भी हूँ, और यही एक कारण है कि वे हमेशा क्या बने रहते हैं, परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, उनकी हमेशा गरीब स्थिति बनी हुई होती है। बच्चों ये तीन आपका हो गया, तीन पैरा हो गया, अब चौथे पैरे पे हम लोग चलते हैं, बच्चों चौथे पैरे पे हम लोग चलते हैं, बच्चों अब हम लोग चौथे पैरे पे आ गए हैं। देखिए ये है जो है रैग पिकर्स, देखिए इसमें चित्र भी दिखाया गया आपको, रैग पिकर्स का चित्र भी दिखाया गया, किस तरह जो है कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे होते हैं, देखिए इस प्रकार आधे अधूरे पहने हुए होते हैं और इस प्रकार चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब चौथे पैरे पे हम लोग आ जाते हैं, चौथे पैरे पे चलने से पहले जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चलते हैं हम लोग चौथे पैरे पे, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग उससे परेशान ना होइए, आप दो तीन बार में वीडियो को देखिए, उससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे दो तीन को टुकड़ों में देख सकते हैं, एक बार जितना पैरा आप समझ सकें उतना पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, जितना कर सकें आप उतना बार बार पढ़ते रहिए, जो है ये वीडियो हो सकता हो डेढ़ से दो घंटा चला जाए, दो घंटे का भी वीडियो हो सकता है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल लेकिन परेशान ना हुए कि वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको अच्छे से समझाते हुए चलना, वर्ड मीनिंग बताना थोड़ा सा लंबा टाइम खींच सकता है, तो आप लोग उससे बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग सिर्फ जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, स्टोरी मीन्स एक कहानी, और किताब लेके आप बैठिए, अपनी किताब से मिलाते चलिए, हम यहां पढ़ रहे हैं, आप किताब से अपने मिलाते चलिए। ठीक है, आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, अ मैन, एक व्यक्ति ने बताया था, फ्रॉम उडीपी, वंस टोल्ड मी, एक व्यक्ति ने मुझे, वंस मीन्स एक बार, टोल्ड मी बताया था, एक व्यक्ति उडीपी का, एक व्यक्ति मुझे एक कहानी बताया था, आई रिमेंबर, मैं याद करती हूँ, ए स्टोरी मीन्स एक कहानी को, अ मैन, एक व्यक्ति ने, फ्रॉम उडीपी, उडीपी से, वंस टोल्ड मी, जो मुझे एक बार बताया था, मुझे एक कहानी याद आती है, अर्थात जो उडीपी के एक आदमी ने मुझे बताया था, एज अ यंग बॉय, जब वह नौजवान व्यक्ति लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और जब स्कूल गुजरता था तो एक पुराने
मंदिर के पास से होके गुजरता था, जब स्कूल जाता था तो पुराने मंदिर के पास से होके गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज प्रिस्ट, जहां पर उसके पिता क्या थे, एक पुजारी थे, जहां पर उसके पिता पुजारी थे। हु वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ब्रीफली मीन्स होता है शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम मीन्स थोड़े से समय के लिए। ही वुड स्टॉप, वह रुक जाता था, ब्रीफली मीन्स थोड़े समय के लिए, एट द टेम्पल मीन्स मंदिर के पास, वह मंदिर के पास थोड़े समय के लिए क्या कर जाता था बच्चों, रुक जाता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। वहां मंदिर के पास रुक करके एक जोड़ी जूते के लिए वह क्या करता था बच्चों, प्रार्थना करता था कि मुझे भगवान एक जोड़ी क्या मिल जाए, जूते मिल जाए। आगे चलते हैं बच्चों। 30 years later, 30 वर्षों बाद, आई विजिटेड, 30 years later मीन्स 30 वर्षों बाद, आई विजिटेड, मैं गई, हिज टाउन मीन्स उसके शहर, 30 वर्षों बाद मैं उसके शहर गई, दी टेम्पल, वह उसके शहर और मंदिर के पास गई, दी टेम्पल मंदिर, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड, जो अब डूब गया था, ड्रोन्ड मीन्स बच्चों क्या होता है, डूब जाना, जो अब डूब गया था, इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, डिजोलेशन मीन्स शांति, नीरस मीन्स, डिजोलेशन मीन्स क्या होता है, सूनापन, या जो है उजाड़ कर सकते हो, उजाड़, सूनापन, निर्जनता, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो वह प्लेस, वह मंदिर, वह घर का किस में डूब गया था, डोंट डूब गया था, इन द एयर ऑफ डिजोलेशन मीन्स उजाड़ में, उजाड़ की हवा में जो है वह प्लेस डूब गया था। इन द बैक यार्ड, पीछे जो है, पीछे की तरफ, वे लिव द न्यू प्रिस्ट, अब जो है नया प्रिस्ट मीन्स पुजारी रहने लगा था, पीछे की तरफ अब नया पुजारी रहने लगा था। दियर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक, वहां पर क्या थी, रेड मीन्स लाल कलर की, और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। अ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जो ग्रे कलर का जो है यूनिफॉर्म अपना पहना हुआ था, वेयरिंग सॉक्स, और क्या पहना था, वेयरिंग पहना था, सॉक्स मीन्स मोजे को पहना था, एंड शूज और जूते को पहने हुए था। Arrived panting, panting means बच्चों क्या होता है, हाँफते हुए, arrived means आया, panting means हाँफते हुए, and threw his school bag, और अपने स्कूल के बस्ते को फेंक दिया, on a folding bed means चारपाई पर, और अपनी बैग को उसने कहाँ फेंक दिया, चारपाई पर फेंक दिया, वह बच्चा आया और अपने बैग को कहाँ पर बच्चों फेंक दिया, चारपाई पर फेंक दिया। कहाँ पहुंचे हैं, लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मैं याद करती हूँ, द प्रेयर अंदर बाय, दूसरे बच्चे की प्रार्थना को मैं याद करता हूँ, हैड मेड टू गॉडेस, जिसने देवी माँ से प्रार्थना किया हुआ था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और जब वह जो है एक जोड़ा जूता पा गया था, लेट मी नेवर लूज देम, और तब क्या कर रहा था कि मैं उसे कभी खोऊंगा नहीं, दी गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, इस देवी माता ने उसकी प्रार्थना को क्या कर ली थी, सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक सन ऑफ प्रिस्ट, यही है ना बच्चों, हाँ, यंग बॉयज, नौजवान बच्चे, लाइक दी सन ऑफ प्रिस्ट, पंडित के बच्चे के समान, जो पुजारी के, पंडित मीन्स पुजारी, पुजारी के बच्चे के समान, नाउ और शूज, अब जूते पहनते थे, उस समय जो पुजारी का बच्चा जूता नहीं पहनता था, अब के लेकिन बच्चे जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक दी रैग पीकर्स, लेकिन बहुत सारे जैसे रैग पीकर्स की तरह मीन्स कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चों के समान, इन माई नेबरहुड मीन्स मेरे पड़ोस में, रिमेन सूलेस, अभी भी जूते रहित हैं, मीन्स अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे रैग पीकर्स, मेरे रैग पीकर्स मीन्स कूड़ा करकट बीनने वाला बच्चा मेरे बगल में है, अभी भी क्या है, सूलेस है, मीन्स जूतों रहित है, मीन्स जूता उसके पास नहीं है, अभी भी यह कंडीशन बनी हुई है। मीन्स वहां पर तो कंडीशन सही हो गई थी ओडीपी में, लेकिन यहां पर अब कंडीशन अभी भी वैसे बनी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम लोग पांचवें पैरा पे आ जाते हैं, पांचवें पैरा पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जो वर्ड मीनिंग फंसे आप उसे लिखते चलिए, और नोट्स आप श्योर बनाते चलिए, ठीक है। एक एक वर्ड मीनिंग की यार, अब जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा मेहनत किया करो, ठीक है। और जो भी मेरे बच्चे ऑफलाइन वाले बैच के बच्चे हैं, और लड़के हों या लड़कियाँ, सभी आप लोग मैसेज
मैसेज नहीं करते हो, आप लोग किए नहीं किए कुछ पता नहीं चलता है। कि कुछ बच्चे मैसेज कर देते हैं कि सर हाँ हमने कर लिया है, आपने कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं कि सर देखिए कर चुके हुए हैं, तो आप लोग किया करो, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे से निवेदन है कि सभी बच्चे जो है आपका इतना तेजी से पढ़ा रहा है, आपका सिलेबस जल्दी ही खत्म कर लेंगे 2-3 महीने में, तो इसलिए सभी बच्चे पढ़ा करो, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें वाले पैरा पे। पांचवें पैरा पे चलते हैं, माई इक्विटेंस। इक्विटेंस मीन्स बच्चों क्या होता है, परिचय। विथ दी बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पांव वाले रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा करकट बीनने वाले। मेरा परिचय नंगे पांव वाले कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चों से लीड्स मी टू सीमापुरी। मुझे कहाँ ले जाता है, सीमापुरी ले जाता है। सीमापुरी दिल्ली के पास का एक क्षेत्र है। सीमापुरी कहां का क्षेत्र है बच्चों, दिल्ली के पास का एक क्षेत्र है। अब आगे देखिए, अ प्लेस ऑन दी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी मीन्स बच्चों क्या होता है, पेरीफेरी। पेरीफेरी मीन्स बाह्य सतह होता है। पेरीफेरी ऑफ दिल्ली मीन्स दिल्ली का बाह्य सतह है। सीमापुरी क्या है, दिल्ली का बाह्य सीमा। सतह कह सकते हो मीन्स सीमा। दिल्ली का यह क्या है, बाह्य सीमा है। पेरीफेरी मीन्स सीमा होता है, सतह कह सकते हो। तो सीमापुरी क्या है, दिल्ली की बाह्य सीमा है। इट फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, इससे कई मीलों की दूरी पर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स होता है लाक्षणिक रूप से, लेकिन फिर भी लाक्षणिक रूप से इससे कई मील की दूरी पर स्थित है। दोज हु लिव हियर, और जो यहाँ पर रहते हैं, दोज हु लिव हियर जो यहाँ पर रहते हैं आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स मीन्स बच्चों क्या होता है, अवैध निवासी। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, यहाँ पर जो रहते हैं वे अवैध निवासी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं बैक इन 1971, 1971 में, जो 1971 में यहाँ पर बांग्लादेश आए हुए हैं। साहेब्स फैमिली फैमिली इज एमॉन्ग देम, साहेब का भी परिवार उनमें से एक है। मीन्स बांग्लादेश में से ही साहेब की भी परिवार आया हुआ था। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मीन्स क्या होता है, बीहड़ या उजाड़ होता है। सीमापुरी उस समय क्या था बच्चों, वाइल्डरनेस थे मीन्स बीहड़ या उजान था। सीमापुरी उस समय तक जब ये लोग नहीं आए थे तब तक एकदम उजाड़ था। इट स्टील इज मीन्स होता है बच्चों, यह अभी भी है। इट स्टील इज, यह अभी भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। मीन्स सीमापुरी अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मीन्स कीचड़ के रूप में, विथ रूफ्स ऑफ टिन मीन्स छतों पर, ऑफ टिन मीन्स टिन के, एंड तारपालिन। तारपालिन मीन्स तरपाल होता है, तरपाल। तारपालिन मीन्स जो यहाँ पर प्रयोग है, तिरपाल से बात की गई है। तिरपाल मीन्स तिरपाल। डिवाइड ऑफ सेवेज बच्चों, डिवाइड मीन्स रहित होता है। सेवेज मीन्स नाली, नाली रहित है। मीन्स यह एरिया नाली रहित है। ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, ड्रेनेज मीन्स निकासी होता है। पानी की कोई निकासी नहीं है। मीन्स इस क्षेत्र में, सीमापुरी के क्षेत्र में पानी की कोई निकासी नहीं है, और यहाँ पर जो है नाली, नाली भी नहीं है। ड्रेनेज रहित है, नाली भी नहीं है, ठीक है, इस एरिया में। आगे देखते हैं कहाँ पहुंचे। हाँ, लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पर लगभग 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे रहते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में लगभग 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ लगभग 30 वर्षों से अधिक वर्षों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के ही, बिना वे किसी परिचय के यहाँ, वे यहाँ 30 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना आदेश के, बट विथ दी राशन कार्ड्स, और लेकिन राशन कार्ड की मदद से, दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, उनका नाम राशन कार्ड की वजह से कहाँ आ गया है, वोटर लिस्ट में भी उनका नाम आ गया है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिसकी वजह से वे भोजन को, ग्रेन अनाज को खरीद पाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। हाँ, इनेबल टू देम बाय ग्रेन। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन दी देन एन आइडेंटिटी। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन अधिक आवश्यक था फॉर सर्वाइवल मीन जीवन के लिए, देन एन आइडेंटिटी, पहचान से अधिक भोजन उनके जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक था। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन की समाप्ति पर, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवार को फीड मीन्स भोजन खिला सकें,
एंड गो टू बेड विदाउट एचिंग, और अपने बेड पे जाएं, अपने बिस्तर पे जाएं विदाउट एचिंग, बिना दर्द के स्टोमच, बिना पेट के दर्द के। पेट के दर्द के बच्चों का अर्थात है बिना भूखे यदि हम अपने बेड पे जा रहे हैं, वी वुड रादर लिव हियर, हम यहाँ रह रहे हैं, देन इन द फील्ड, खेतों में, दैट गेव अस नोन ग्रेन, और हम वहाँ कैसे रह रहे थे, उन खेतों में रह रहे थे जहाँ पर कोई अनाज नहीं था। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक समूह कहता है, स्त्रियों का एक समूह कहता है, इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड मीन्स बच्चों होता है, टैटर्ड साड़ीज मीन्स फटी पुरानी, फटी पुरानी जो साड़ी पहनी हुई थी, उस महिलाओं का एक समूह बोलता है कि हम लोग वहां पर कैसे रहते थे, मीन्स बिना अनाज के खेतों में हम लोग रहते थे। यह बात कौन कहता है बच्चों, जो है एक सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक समूह कहता है स्त्रियों का, इन टैटर्ड साड़ी, जो फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा था कि आपने क्यों सुंदर से अपने ब्यूटीफुल सुंदर लैंड मीन्स जमीन, ग्रीन फील्ड मीन्स हरे भरे मैदान, एंड रिवर्स मीन्स नदी, अपने हरे भरे मैदान और नदियों से जैसे सुंदर प्रदेश को क्यों छोड़ा, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया था कि उन खेतों से क्या फायदा जो अनाज नहीं दे सकते थे। वेरी पर दे फाइन, और जैसे इसीलिए कहते हैं उन चेहरों से क्या मतलब, उन चेहरों से क्या मतलब जिनमें दया ना हो। तो उन कोई भी अगर जो है बहुत अच्छा चेहरा, जिसका भी है बहुत अच्छा चेहरा है, लेकिन अगर उसके अंदर मर्सी नहीं है, दया नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है तो बहुत सजा जो है, ग्रीन फील्ड है, रिवर भी है, लेकिन अगर अनाज नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है। Wherever they find food, वे जहाँ पर भी भोजन पाते थे, they pitch their tents, वे अपने टेंट वहीं लगा लेते थे, that become transit homes, जो उनका transit means बच्चों क्या होता है, अस्थाई, transit means बच्चों क्या होता है, अस्थाई, जो उनका अस्थाई क्या बन जाता था, घर बन जाता था, ट्रांजिट होम बन जाता था, मीन्स बच्चों अस्थाई घर बन जाता था। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू ग्रो अप इन देम, बच्चे वहीं पर बड़े हो जाते थे, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वे बिकमिंग पार्टनर में सहयोगी हो जाते थे, इन सर्वाइवल मीन्स जिंदा रहने के लिए वे वहां पर सहयोगी हो जाते थे, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और जीवन यापन करना, सीमापुरी में जीवन यापन करना मीन्स रैग पैकिंग, उसका मतलब हो गया कि आप वहां पर रैग पैकिंग कर रहे हैं, कूड़ा करकट बीनने वाले हैं। सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब यही है कि आप रैग पैकिंग करिए, अर्थात क्या करिए बच्चों, वहां पर कूड़ा करकट बीनिए, मींस रैग पैकिंग करिए। थ्रू दी ईयर्स, इन वर्षों में, इट हैज एक्वायर्ड दी प्रोपरेशंस, प्रोपरेशन मींस होता है बच्चों अनुपात में, इन दिनों में, अनुपात में, आगे देखते हैं, ऑफ अ फाइन आर्ट, ऑफ अ फाइन आर्ट हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों जो है, ठीक है, तो हाँ, वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया था, वर्षों की अवधि की वजह से इसने एक ललित, फाइन आर्ट मीन्स होता है ललित कला का रूप ले लिया था। गार्बेज टू देम, उन लोगों के लिए कूड़ा करकट इज गोल्ड, क्या होता था, पैसा होता था, सोना होता था, अर्थात उन लोगों के लिए कूड़ा ही क्या होता था, पैसा होता था। इट इज दियर डेली ब्रेड, यह उनके डेली मीन्स रोज रोजी रोटी होता था। अ रूप ओवर दियर हेड्स, एक छत, अ रूप मीन्स एक छत, ओवर दियर हेड मीन्स उनको इस सर को ढकने के लिए। इफ इट इज लीकिंग रूप, चाहे तो वह छत चूता ही क्यों ना हो, लीक मीन्स चूना, जो है पानी वानी चूता जो है, लीक उसे कहते हैं ना, चाहे वह छत लीक ही क्यों ना हो, उनके सर पर एक छत होता था। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए यह उससे भी कहीं अधिक है, छत से भी कहीं अधिक है, चाहे वह लीकिंग छत ही क्यों ना हो, वह काफी अधिक मायने रखता है। बच्चों अब हम लोग छठे पैरा पे चलते हैं, बच्चों हम लोग छठे पैरा पे चलते हैं, तो छठे पैरा पे चलने से पहले जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। हम लोग छठे पैरा पे बच्चों आ जाते हैं, छठे पैरा पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों। आई समटाइम्स, मैं कभी कभी, फाइंड अ रूपी, मैं एक रुपये पा जाता हूँ, इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक के लिए 10 रुपये के नोट्स भी पा जाता हूँ। मैं कभी कभी 1 रुपये का नोट या 10 रुपये का नोट पा जाता हूँ। साहब सेज, साहब कहता है, इज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें क्या हो रही थी, चमक रही थी, आंखें में उसकी आंखों में क्या थी, चमक थी।
When you can find a silver coin, और जब आप एक silver coin पा जाते हो in a heap of garbage means कूड़ा करकट के ढेर में से, heap means ढेर, कूड़ा गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट के ढेर में से जब आप सिल्वर क्वाइन पा जाते हो, यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, तब आप ढूंढना बंद नहीं करते हो। स्काउंजिंग मीन्स होता है बच्चों ढूंढना, तब आप ढूंढना बंद नहीं करते हो। फार देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग, की उम्मीद लगी रहती है फाइंडिंग मोर, इससे अधिक पाने की। तो एक उम्मीद लगी रहती है बच्चों कि इससे अधिक पाने की उम्मीद लगी रहती है, इसलिए तब आप खोजना बंद नहीं करते हो। It seems that for children, यह बच्चों के लिए प्रतीत होता है, garbage has a meaning different from, garbage के लिए means कूड़ा करकट उनके लिए दूसरा ही अर्थ प्रदान करता है, what it means to their parents, जो उनके माता पिता को मतलब होता है, जो उनके माता पिता के लिए मतलब होता है कूड़ा करकट, वह उनसे भिन्न, उनसे भिन्न ही वे अर्थ निकालते हैं या उनके लिए अर्थ होता है। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, यह आश्चर्य से ढका हुआ है, रैप्ड मीन्स ढका हुआ, इन वंडर मीन्स आश्चर्य, वंडर मीन्स आश्चर्य। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड, यह ढका हुआ है, इन वंडर मीन्स आश्चर्य से यह ढका हुआ है, यह बच्चों के लिए है। एंड फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट इज अ मीन्स सर्वाइवल, यह उनके जीवन यापन करने का एक साधन है। और बड़ों के लिए क्या है, यह जीवन यापन करने के लिए एक साधन है, और जबकि बच्चों के लिए यह क्या है, आश्चर्य से ढका हुआ एक चीज है। ठीक है, बच्चों के लिए आश्चर्य से ढका हुआ, और पेरेंट्स के लिए क्या है, जीने का एक आधार है। तो बच्चों छठा वाला आपका खत्म हुआ ना, अभी 16 है, आप लोग थकिए नहीं, अगर थकिए हो तो वीडियो को रोक करके थोड़ा सा आराम कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। एक बार में तो आप नहीं कर सकते हो, आप वीडियो में जाकर के कमेंट भी करना, क्या आपने एक बार में ही पूरा पढ़ा था। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप कमेंट करिए, क्या आप पूरा एक बार में ही पढ़ डाले थे या फिर उसे 2-3 पार्ट में देखे थे। जैसे भी आप देखोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के बताना कि आपने किस तरह से इस वीडियो को देखा हुआ है। ठीक है, इतना लेंदी वीडियो को आपने किस प्रकार से देखा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मेहनत करो, रात में जागो, दिन में जागो, थोड़ा सा तो कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, बिना मेहनत किए कुछ कहाँ मिलता है आपको। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत आप लोग करो, हम आप लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अपने लिए नहीं मेहनत कर सकते हो, तो ये तो आपका लाजमी हक है कि आप अपने लिए मेहनत करो। आप मान लो मेरे लिए मेहनत मत करना, मेरे लिए कुछ मत करना आप, लेकिन अपने लिए तो करो। ठीक है चलो आ जाते हैं। ठीक है, वन विंटर मॉर्निंग, सातवें पैरा पे बच्चों आ जाते हैं। आप लोग किताब लेके बैठना, आज नहीं हम बोले हैं ना किताब लेने के लिए, लेकिन आप लोग किताब लेके बच्चों बैठा करो। ठीक है, जब पढ़ा रहे होते हैं तो किताब लेके बैठा करो। चलो, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह जो है, वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी की सुबह, आई सी साहब, मैंने साहब को देखा, स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड, वह चहारदीवारी के पास खड़ा था, गेट मीन्स गेट के चहारदीवारी के पास खड़ा हुआ था, ऑफ द नेबरहुड मीन्स मेरे पड़ोसी के, मेरे पड़ोसी के गेट के चहारदीवारी के पास खड़ा हुआ था, फेंस मीन्स होता है चहारदीवारी, नेबरहुड क्लब मीन्स बगल के क्लब के चहारदीवारी के पास, मीन्स बगल के क्लब के चहारदीवारी के गेट के पास में मैंने साहेब को क्या देखा, खड़ा हुआ था विंटर में, मीन्स विंटर में सर्दी में, वाचिंग टू यंग मैन, दो नौजवान व्यक्तियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, सफ़ेद कपड़े पहन के टेनिस खेल रहे थे, आई लाइक द गेम, मैं गेम को अधिक पसंद करता हूँ, ही हम्स, बच्चों हम मीन्स क्या होता है, गुनगुनाना, धीमे स्वर में कहना, बच्चों हम मीन्स क्या होता है, गुनगुनाना या धीमे स्वर में कहना, ही हम्स, वह गुनगुनाया, कंटेंट टू वॉच, संतुष्ट हो गया था, कंटेंट मीन्स बच्चों क्या होता है, संतुष्ट हो गया था, टू वॉच इट मीन्स इसे निहारने से, घूरने से, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे से देख करके वह इतने में ही संतुष्ट हो गया था, मीन्स उसे खेलने की चाहत नहीं हो रही थी, उसने दूर से ही देख लिया, उसी में वह क्या हो गया था, संतुष्ट हो गया था। बच्चों आई गो इनसाइड, मैं अंदर गया,
When no one is around, जब वहाँ I go inside, मैं जाता हूँ अंदर, when no one is around, जब कोई वहाँ पर आसपास नहीं होता है, तब मैं अंदर जाता हूँ. He admits, वह स्वीकार करता है, वह इस बात को स्वीकार करता है कि जब वहाँ पर कोई नहीं होता है, तब मैं क्या करता हूँ, अंदर जाता हूँ. The gatekeeper lets me use the swing. द्वारपाल, gatekeeper means बच्चों क्या होता है, द्वारपाल लेट्स मी यूज, मुझे प्रयोग करने देता है, यूज करने देता है दी स्विंग मीन्स झूले को, मीन्स द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है, स्विंग करने देता है मीन्स झूलने देता है, स्विंग मीन्स होता है झूलना, ठीक है. द्वारपाल मुझे झूले पे क्या करने देता है बच्चों, झूलने देता है. ये हो गया बच्चों सातवें का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन. आप लोग भी थक गए होगे ना, आप लोग बहुत थक गए होगे, उससे ज़्यादा तो हम थक गए हैं क्योंकि हम एक बार में ही वीडियो बना रहे हैं बच्चों. तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए तो हम एक घंटे का, दो घंटे का लेक्चर क्या, हम चार घंटे का भी लेक्चर अगर देना हो मुझे, दिन भर लेक्चर देना हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है बच्चों. अब हम लोग सातवें पे, सातवां आपका हो गया, आठवें की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. हम लोग आठवें की तरफ बढ़ जाते हैं और आप लोग किताब लिए रहिए, हो सकता है इसमें कुछ ना दिखाई दे, कुछ वर्ड ना दिखाई दे, तो आप किताब लिए रहोगे तो इससे जो है आसानी से समझ लोगे. बच्चों हम लोग आठवें की तरफ बढ़ते हैं. साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज. साहब भी क्या पहना हुआ था, टेनिस खेलने वाला जूता पहना हुआ था. दैट लुक स्ट्रेंज, तो जो थोड़ा सा विचित्र प्रतीत होता था. ओवर हिज डिसकलर्ड, उसके रंग छोड़े हुए शर्ट मीन्स शर्ट पर, जो मतलब जो शर्ट पहना हुआ था वह रंग कलर छोड़ दिया था. उसके बेरंग शर्ट पर वह थोड़ा सा विचित्र प्रतीत होता था. एंड शर्ट मीन्स निकर पर, उसके बेरंग जो है शर्ट और निकर पर वह जूता थोड़ा सा अजीब सा प्रतीत होता था, होता है, इज लगा हुआ है, होता है. समवन गेव टू मी, कोई व्यक्ति उसे दे दिया था. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह व्याख्या के तौर पर बताता है कि कोई व्यक्ति उसे क्या कर दिया था, वह जूता दे दिया था. The fact that, और सत्य यह बात थी, they are discarded, वह जूते क्या कर दिए गए थे, discard means त्याग दिए गए थे. Shoes of some rich boy, किसी धनवान बच्चे की तरफ से उस जूते को क्या कर दिया था, क्या कर दिया गया था, discard कर दिया गया था, त्याग दिया गया था. Who perhaps refused, जो शायद मना कर दिया था, perhaps means बच्चों होता है शायद, जो शायद मना कर दिया था, refused means मना करना, to wear them means उसे पहनने के लिए, जो शायद मना कर दिया था उसे पहनने के लिए. Because of hole, क्योंकि एक छिद्र था, in one of them, उनमें से एक जूते में क्या था बच्चों, एक छिद्र था, इसलिए जो है वह पहनने से क्या कर दिया था, वह धनी बालक मना कर दिया था पहनने से. डज नॉट बोथर हिम, बोथर मीन्स परेशान करना, डज नॉट बोथर हिम, लेकिन वह क्षेत्र उसे मीन्स साहेब को परेशान नहीं करता था. जो क्षेत्र धनी व्यक्ति को परेशान करता था, वह क्षेत्र साहेब को परेशान नहीं करता था. फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, जो बच्चा जो है हमेशा नंगे पांव रहता है. इवन सूज विथ अ होल, उसके लिए एक जूता चाहे उसमें छिद्र ही क्यों ना हो, इज अ ड्रीम कम ट्रू, वह सपने के सत्य होने के समान है. मीन्स एक गरीब बच्चा जो चाहे उसके लिए जैसे भी जूता मिल गया, जैसे भी सूज मिल गया, चाहे उसमें छिद्र ही क्यों ना हो, उसके लिए सपना सत्य होने के बराबर है. जो व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, जो बच्चा हमेशा नंगे पांव रहता है. बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन उस खेल को जो वह ध्यान से देख रहा था, वॉचिंग सो इंटेंटली, बड़े ध्यान से देख रहा था, इज आउट ऑफ रीच मीन्स उसके पहुंच से दूर था. लेकिन वह खेल जो वह बड़े ध्यान से देख रहा था, वह उसके पहुंच से क्या था बच्चों, बहुत दूर था. क्योंकि वो तो अमीर लोगों का खेल है, अमीर लोग खेल रहे थे, तो गरीब है बच्चा, तो इसलिए उनके पहुंच से बहुत दूर था. अब हम लोग बच्चों नवें पैरा पे आते हैं. ये आपका साहेब की अंतिम कहानी है, इसके बाद मुकेश की कहानी शुरू हो जाएगी बच्चों. ये साहेब की अंतिम कहानी है और आपका आधा खत्म हो गया है, आधे से ज़्यादा खत्म, आधा आपका 16 है ना, 16 पैसेज है ना बच्चों, तो आधा खत्म हो गया है, आधा आपका और बचा हुआ है. तो ये है आपका अभी नवा, आपका इस साहेब की ही कहानी चलेगी और इसके बाद मुकेश की कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है बच्चों. तो चलो चलते हैं नवे लास्ट साहेब की कहानी, और क्या बची हुई है जल्दी से उसे देख लेते हैं.
दिस मॉर्निंग इस सुबह साहेब इज वन ऑन हिज वे, साहब अपने रास्ते पर होता है, वे टू मिल्क बोथ बूथ, मिल्क पे बूथ मीन्स दुकान पे जहाँ दूध लिया जाता है, दूध की दुकान। साहेब कहाँ जा रहा था बच्चों? दूध की दुकान पर जा रहा है। दिस मॉर्निंग इस सुबह साहेब इज ऑन हिज वे, साहब है ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ मीन्स अपने दूध की दुकान पर जा रहा है। इस सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड मीन्स उसके हाथ में, इन हिज हैंड मीन्स बच्चों, इन हिज हैंड मीन्स उसके हाथ में इज अ स्टील कनिस्टर, कनिस्टर मीन्स कनस्तर होता है, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। इस सुबह इन हिज हैंड उसके हाथ में इज अ स्टील कनिस्तर, स्टील का कनिस्तर है। नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, अब मैं कार्य करता हूँ इन अ टी स्टॉल मीन्स एक चाय की दुकान पर, डाउन द रोड मीन्स रोड के नीचे, रोड के नीचे किनारे अब मैं एक चाय की दुकान पर क्या करता हूँ, कार्य करता हूँ। ही सेज वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस दूर से इशारा करते हुए, वह दूर से इशारा करते हुए कहता है कि अब मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज, मुझसे प्रदान किया जाता है 800 रुपए प्रदान किया जाता है। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सभी भोजन वहीं से प्राप्त होता है, अर्थात मैं दोनों टाइम का भोजन वहीं पर करता हूँ, मुझे भोजन की प्राप्ति भी वहीं से होती है। डज ही लाइक दिस जॉब, क्या तुम नौकरी को पसंद करते हो, इस जॉब को? डज ही लाइक दिस जॉब, क्या तुम इस नौकरी को पसंद करते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा इसी मैं देख सकती थी, हैज लास्ट दी केयर फ्री लुक मीन्स, जो केयर फ्री मीन्स जो होता है स्वतंत्रता का भाव, लेकिन उसके चेहरे से जो स्वतंत्रता का भाव था, अभी तक रैग पिकर्स का जो काम कर रहा था तो स्वतंत्रता था, क्योंकि जब मन करता था बिनता था, जब नहीं बिनता था रैग पिकर्स नहीं करता था, लेकिन अब स्वतंत्रता का भाव उसके चेहरे पर नहीं था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर, यह स्टील का कनिस्टर भारी प्रतीत होता था, देन द प्लास्टिक बैग्स, उन प्लास्टिक बैग की तुलना में यह स्टील का कनिस्टर अत्यधिक भारी प्रतीत होता था। ही वुड कैरी सो लाइटली, वह इसे लिए रहता था, सो लाइटली अत्यधिक हल्केपन से, ओवर द शोल्डर मीन्स अपने कंधे पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टील का कनिस्तर प्लास्टिक की उस थैले से कहीं ज्यादा भारी लगता है, जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाता था। द बैग वॉज हिज, यह बैग उसका था, द बैग वॉज हिज, यह बैग उसका था। The canister belongs to the man, और जो कनस्तर था वह उस व्यक्ति से बिलोंग करता था, उस व्यक्ति का था, who owns the tea shop, जो इस चाय की दुकान का क्या था, owns means मालिक था, जो इस चाय की दुकान का मालिक था, यह कनस्तर उसका था। साहेब is no longer his own master, अब साहेब जो है अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है, मीन्स अब साहेब स्वयं का मालिक नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक वह रैक पिकर्स करता था तो स्वयं का मालिक था, अब जो है साहेब स्वयं का मालिक नहीं रहा है, अब वह अधीन हो गया है। किसके अधीन हो गया है बच्चों? उस चाय के दुकान के मालिक के अधीन हो गया है। जब बच्चों वह अधीन हो गया तो यहीं पर कहानी उसकी ख़त्म होती है, साहेब की कहानी यहीं ख़त्म होती है। बोलो सियाराम की जय, बोलो सभी बच्चे सियाराम की जय। तो मीन्स साहेब की कहानी यहीं ख़त्म हुई। अब दूसरी कहानी किसकी स्टार्ट होती है बच्चों? मुकेश की कहानी। किसकी कहानी बच्चों स्टार्ट होती है? मुकेश। पैसेज नंबर 10 बच्चों, किसकी कहानी शुरू होगी? मुकेश की कहानी शुरू होगी। अब बच्चों आप लोग किताब लिए रहो, किताब लिए रहोगे तो आसानी से जो चीज़ें इसमें हो सकता हो, कुछ चीज़ें न समझ में आए तो आपको जो है उसमें से देख लोगे, ठीक है। वैसे तो आज तो दिख रहा है, आज तो सारे वर्डे दिख रहे हैं, तो आज तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी आप लिए रहो, बुक लिए रहो अपनी सेफ्टी के लिए। 10वें पैसेज पे आ जाते हैं बच्चों, मुकेश की कहानी यहाँ से शुरू होती है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार जो है ड्राइव करना चाहता हूँ, मीन्स चलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, यही बात मैंने उसके बारे में आपको बताया था। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जिद करता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना स्वयं मालिक बनने पर, मुकेश अपना स्वयं मालिक बनने पर जोर देता है, अर्थात जो है जो साहेब था वो तो स्वयं का मालिक नहीं बन गया, चाय की दुकान पर काम करने लगा था, लेकिन मुकेश स्वयं के मालिक बनने की कोशिश कर रहा था।
वह स्वयं का मालिक बनना चाहता था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मीन्स मोटर बनाने वाला मैं बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है, वह बताता है, वह कहता है कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? मोटर मैकेनिक बनेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि आप क्या बनोगे। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। जब वह कहा कि मोटर मैकेनिक मैं बनूंगा, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो कि ऐसे मोटर मैकेनिक बन जाओगे, कि ऐसे कह दिए तो मोटर मैकेनिक बन जाओगे। तो देखो बच्चों, मुकेश का क्या जवाब होता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूंगा। लर्न टू ड्राइव अ कार, एक कार चलाना मैं सीख लूंगा। भले अभी मुझे नहीं आता है कार चलाना, लेकिन मैं सीख लूंगा ना मैडम जी। मैडम जी देखो, कई तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागी हैं दोनों बच्चों से, परेशान करती हैं। वैसे भी लड़कियां परेशान ही कर देती हैं, ठीक है। तो सारी मैडम जी जिनसे शादी हो गई ना, जिनकी शादी हो गई ना बच्चों, उनसे पूछना कि उनकी मैडम कितनी परेशान करती हैं, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर भी ये मैडम जो है बच्चों उसकी जान ले रही है, प्रश्न पूछ पूछ करके बच्चों की जान ले रही है। तो कोई बात नहीं, मैडम जी को परेशान करने दो, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही answers, वह उत्तर देता है, वह मैडम जी को उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, मेरी आंखों में नजरे मिला करके, मेरी आंखों में नजरे मिला करके वह कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। नजर नजर मिली, आगे चलो। हिज ड्रीम लूम, हिज ड्रीम मीन्स उसके स्वप्न, लूम मीन्स अस्पष्ट दिखाई देते हैं। लूम मीन्स क्या होता है बच्चों? अस्पष्ट दिखाई देना। उसके स्वप्न अस्पष्ट दिखाई देते हैं, लाइक अ मिरेज मीन्स एक मरीचिका के समान, इमिडस्ट मीन्स बीच में, द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स, इन सड़कों के धूल के, इन सड़कों के धूल के बीच में उसके स्वप्न, उसके जो है यह स्वप्न जो है यह स्वप्न किसके समान दिखाते हैं? मरीचिका के समान अस्पष्ट रूप से दिखते हैं। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जो इसके शहर फिरोजाबाद को फेमस फॉर हिज बैंगल्स, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। जो फिरोजाबाद शहर, अब उसके शहर के बारे में बात आ गई, वह जिस शहर का रहने वाला था उसका नाम था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध था बच्चों? बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध था, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। इब्री अदर फैमिली दूसरी अन्य परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के, इज एंगेज्ड, बिजी था, व्यस्त था, इन मेकिंग बैंगल्स मीन्स चूड़ियां बनाने में। दूसरे अन्य परिवार भी फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने में क्या थे बच्चों? व्यस्त थे, अर्थात सभी चूड़ियां बनाते थे। इट इज द सेंटर ऑफ द इंडियाज वेडिंग ग्लास, यह केंद्र है, भारत का केंद्र है। वेल्डिंग ग्लास क्या है? ग्लास ब्लोविंग है क्या? हाँ, ग्लास, हाँ ना ना, हाँ कहाँ बच्चों थे? सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग, हाँ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग मीन्स पूछा है बच्चों, कांच की आकृति देना। ग्लास ब्लोइंग मीन्स बच्चों क्या होता है? कांच को आकार देना, या कांच को आकार देने वाली इंडस्ट्री के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध था। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ परिवार पीढ़ियों तक अपने समय बिता देते थे। वर्किंग अराउंड फ्यूरेंसेस मीन्स इसकी भट्टी में कार्य करते हुए, फ्यूरेंसेस मीन्स बच्चों होता है भट्टी, इसके भट्टी के चारों तरफ कार्य करते हुए जनरेशन मीन्स कई पीढ़ियां लोग क्या कर देते हैं? बिता देते हैं। वेल्डिंग ग्लास, और किस क्या चीज़ें बनती थी? वेल्डिंग ग्लास बनता था। मेकिंग बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, लैंड इट सीम्स मीन्स पूरे जहाँ पर जितनी भी जमीन पर स्त्रियाँ थी इस फिरोजाबाद में, सभी चूड़ियाँ बनाने में क्या थी? व्यस्त थी। मीन्स पूरे फिरोजाबाद शहर में लोग क्या बनाते हैं बच्चों? मीन्स स्त्रियाँ खासकर वहाँ पर क्या बनाती हैं? चूड़ियाँ ही बनाने में व्यस्त रहती हैं। ये हो गया आपका बच्चों पैसेज नंबर 10। अब हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 11 पे बच्चों, चलते हैं। बोलो सियाराम की जय। पैसेज हम लोग चलते हैं 11 पे चलते हैं बच्चों, पैसेज नंबर 11 पे चलते हैं।
अब हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 11 पे। बच्चों चलते हैं पैसेज नंबर 11 पे। चलने से पहले, एक घंटे का लंबा समय हो चुका है। जो भी बच्चे अगर आप सेकंड स्टेप में पूरा करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। आप अभी जो है सेकंड स्टेप में मीन्स वीडियो को पूरा कर लेना। एक बार इतना लिख लिए हो, पढ़ लिए हो, फिर दोबारा कुछ देर बाद बैठना तब पढ़ना। हम तो वीडियो पूरा कंप्लीट एक ही बार में करेंगे, ठीक है। अगर आप एक बार में पूरा कंप्लीट कर सकते हो तो वीडियो तब तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपने क्या एक ही बार में पूरा पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो अगर एक बार में आप समझ ले रहे हो तो मतलब समझ लो कि आपके बैठने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, अब आ जाओ हम लोग। और आने से पहले एक बार फिर कह देना, क्या कहेंगे बच्चों? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। सभी बच्चे वीडियो जो देख रहे हैं, कम से कम एक बच्चा 10 बच्चे को शेयर जरूर करेगा। ये आपसे निवेदन है, ठीक है। इतनी रात में जगने का कुछ तो मतलब निकलना चाहिए बच्चों। अपने परिवार को नहीं बढ़ाओगे, इस YouTube परिवार को हम चाहते हैं बहुत बड़े, सभी बच्चों का फायदा हो, जो भी क्लास 12th में है या फिर 9th, 10th, 11th, 12th, क्योंकि सभी क्लास के इसमें वीडियो पढ़ रहे हैं, तो जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों का फायदा हो, तो इसलिए चाहते हैं कि जो है आप लोग वीडियो खूब शेयर करो। और यूपी बोर्ड से संबंधित ऑफिशियल न्यूज़ जानने के लिए आप डायमंड क्लासेस ऑफिशियल करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो भी आपकी न्यूज़ रहती है वो सारी चीज़ें अपडेट मिलती हैं। तो क्या करोगे, यूट्यूब पे डालोगे डायमंड क्लासेस ऑफिशियल, मीन्स ये तो डायमंड एकेडमी क्लासेस है, वो मेन साइट है, मेन यूट्यूब चैनल है, डायमंड क्लासेस ऑफिशियल करके डालोगे तो जो चैनल आएगा वहाँ से आपको न्यूज़ मिल जाएगा। कोई भी बात होगी या फिर कोई भी बात होती है तो आपको वहाँ से सबसे पहले न्यूज़ मिल जाएगी। तो बच्चों आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ जो है आपका पैसेज नंबर 11 पर। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार इज एमंग देम, उनमें से एक था। मुकेश का परिवार उनमें से एक था। None of them, उनमें से कोई नहीं, no means जानता था, that it is illegal for children, कि यह बच्चों के लिए illegal है, means नियमतः सही नहीं है, like him to work in the glass furnaces, means like him in work in the glass furnaces, कि वे कहाँ करें, कांच के भट्टियों में काम करें, यह बच्चों के लिए क्या था, इलीगल था, मीन्स अनैतिक था, जो है नियम विरुद्ध था। विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता था, सबसे उच्च रहता था, मीन्स उन भट्टियों में काम करें छोटे बच्चे जहाँ का टेम्परेचर उच्च रहता था, मीन्स एकदम उच्च तापमान रहता था, उन भट्टियों में बच्चे काम करें, यह क्या था, इलीगल था, अनैतिक था, मीन्स नियम विरुद्ध था। इन डिंजी सेल, डिंजी मीन्स मैला, गंदा, इन डिंजी सेल, मैले कमरे में, सेल मीन्स कमरा, विदाउट एयर मीन्स बिना हवा के, बिना हवा के मैले कमरे में कार्य करना उन बच्चों के लिए नियम विरुद्ध था। एंड लाइट मीन्स और प्रकाश, मैले कमरे और प्रकाश रहित रूम में कार्य करना उन बच्चों के लिए अनैतिक था। दैट द लॉ मीन्स नियम के अनुसार, इफ इन्फोर्स्ड मीन्स यदि यहाँ पर नियम लगा दिया जाए, कुड गेट देम ऑल, देखो मच्छर, देखो बच्चों कितने मच्छर टहल रहे हैं, ये सिर्फ बच्चों आपके लिए है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। फैन चला नहीं सकते हैं, कूलर चला नहीं सकते हैं, मजबूरी है कि अगर चला देंगे तो समस्या हो जाएगी, आपको आवाज़ सही से सुनाई नहीं देगी, उन सारी चीज़ों की भी आपको आवाज़ सुनाई नहीं देने लगी तो भी समस्या हो जाएगी। कोई बात नहीं बच्चों, ये सारी चीज़ें हाथ में पकड़े हुए हैं मोबाइल, तो इसलिए हाथ में भी मच्छर बैठ जाते हैं, तो इसलिए बीच में एक बार वीडियो को रोकना पड़ता है, फिर शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। आगे चलो, दैट द लॉ नियमतः इफ इन्फोर्स्ड, यदि क्या किया जाए, इन्फोर्स मीन्स नियम को लगा दिया जाए, जबरन लगा दिया जाए, कुड गेट हिम इन ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेंस आउट ऑफ द हार्ट फ्यूरेंसेस, तो इन सभी 20,000 बच्चों को हार्ट फ्यूरेंसेस मीन्स गर्म भट्टियों से दूर रखा जा सकता है। अगर नियम यहाँ लगा दिया जाए तो इन सभी बच्चों को गर्म भट्टियों से दूर रखा जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट, जहाँ पर स्लॉग मीन्स बच्चों क्या होता है, कड़ी मेहनत करना, स्लॉग मीन्स बच्चों क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। वेयर दे स्लॉग, जहाँ पर वे कड़ी मेहनत करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स मीन्स पूरे दिन की रोशनी में, ऑफेन लूजिंग दी ब्राइटनेस, और अपनी रोशनी को प्रायः खो देते हैं। अब किसकी रोशनी की बात होगी बच्चों, आँख की रोशनी की, और अपनी आँख की रोशनी को प्रायः खो देते हैं। अब दियर आइज,
अपनी आंख की रोशनी को प्रायः खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें चमकने लगी। बीम मीन्स बच्चों होता है, चमक उठना, ठीक है। बीम मीन्स बच्चों क्या होता है, चमक उठना। मुकेश की आंखें क्या हो गई, चमक उठी एज ही वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स मीन्स बच्चों क्या होता है, कहना। जब उसने कहा टू टेक मी होम कि वह मुझे घर ले जाएगा, जब मुकेश ने मुझसे कहा कि वह मुझे घर ले जाएगा तो उसकी आंखें एकदम चमक उठी। विच ही प्राउडली सेज, वह जिसे वह गर्वपूर्वक कहता था, सेज ही इज बींग रिबिल्ट, जिसे उसने स्वयं बनाया है, उस घर की बात कर रहा है। मेक हिम रिबिल्ट, रिबिल्ट मीन्स जिसे पुनः बनाया गया है, रिबिल्ट मीन्स पुनः बनाया गया है। उस घर के बारे में जब बात होती है तो उसकी आंखें चमक उठती है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम जा रहे थे। वॉक डाउन स्टिंकिंग मीन्स बेकार बदबूदार, लेन्स मीन्स गली, बेकार बदबूदार गलियों से हम जा रहे थे। चोक्ड विथ गार्बेज, जिसने भरा हुआ था, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट जिसने भरा हुआ था, उस गलियों से हम उस बच्चे के घर जा रहे थे, मीन्स मुकेश के घर जा रहे थे। मीन्स कौन जा रहा है, हम नहीं जा रहे भैया, राइटर जा रही हैं, मैडम जी जा रही हैं, हम नहीं जा रहे हैं, हम तो घर वहीं पर बैठे रहते हैं, आप लोग के बीच में रहते हैं। तो कौन जा रहा है बच्चों, मैडम जी जा रही हैं। और मैडम जी भैया मेरी मैडम जी नहीं है, एनीज जंग हैं। कौन है बच्चों, एनीज जंग हैं, ठीक है। समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो हाँ, वी वॉकिस्टिंग, हाँ कहाँ थे, विच प्राउडली सेज हाँ बींग पास्ट होम्स, हाँ। स्टिंकिंग लेन्स मीन्स जो है बदबूदार गलियों से होकर गुजर रहे थे, चोक्ड विद गार्बेज, जो कूड़ा करकट से भरा हुआ था। पास्ट होम्स, उन घरों से गुजर रहे थे दैट रिमेन होवेल्स, होवेल्स है बच्चों किताब में देखोगे होवेल्स है, दैट रिमेन होवेल्स, उन झुग्गी झोपड़ी, होवेल्स मीन्स झुग्गी झोपड़ियों से, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें कांप रही थी, उन दीवारों से हम होकर के क्या कर रहे थे बच्चों, गुजर रहे थे। उबली डोर्स, उबली मीन्स बच्चों होता है जर्जर, उबली डोर्स मीन्स जर्जर दरवाजे थे। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस मीन्स परिवारों से, वह जितने भी दरवाजे थे, जितने भी घर थे, पूरे भरे हुए थे। क्राउडेड मीन्स भरे हुए थे, विथ फैमिली ऑफ ह्यूमंस मीन्स व्यक्तियों के परिवार से वे क्या थे, भरे हुए थे। एंड आगे चलते हैं बच्चों, एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमियल स्टेट, एनिमल्स मीन्स जानवर भी रहते थे, को एग्जिस्टिंग सह अस्तित्व में, इन अ प्रिमियल स्टेट, प्रिमियल मीन्स होता है आदिम, आदिम मीन्स बहुत पुराने जमाने की तरह, आदिम जमाने की तरह जानवरों की सह अस्तित्व में हम लोग रहते, वहाँ पर व्यक्ति थे, मीन्स जानवर और आदमी एक साथ ही थे। सस्तित्व में रहना मीन्स बच्चों जानवर और आदमी वहाँ पर एक साथ में ही थे, तो जानवर आदमी के सस्तित्व में वहाँ जितने भी लोग थे रह रहे थे। ही स्टॉप्स एट द डोर, वह एक दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। आप वन मीन्स एक दरवाजे के पास वह क्या हो जाता है बच्चों, खड़ा हो जाता है। वन ऑफ सच हाउस बैंक्स, बैंक्स मीन्स धक्का मारता है, बैंक्स अ उबली आयरन, उबली मीन्स बच्चों बदबूदार, उबली मीन्स बच्चों होता है जर्जर या अस्थिर, जर्जर आयरन के दरवाजे को धक्का मारता है। विद ही फूड, विद हिज फूड, कैसे धक्का मारता है, अपने पैर से बच्चों, अपने पैर से धक्का मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और दबाव देता है कि इट ओपन मीन्स इसे खोलने के लिए दबाव देता है। वी इंटर हाफ बिल्ट शेक, हम प्रवेश करते हैं, वी इंटर अ हाफ बिल्ट शेक मीन्स आधे अधूरे बने हुए मकान में हम प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट, इसके एक भाग में, वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में थैस्ड विथ डेड ग्रास मीन्स सूखी हुई घास से मढ़ा था, थैस्ड मीन्स मड़ई जिसे कहते हैं, थैस्ड था। इज अ फायर वुड स्टोव, और वहाँ पर एक स्टोव था, लकड़ी का एक स्टोव था, फायर वुड मीन्स लकड़ी जलाने के लिए। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और जहाँ पर एक लंबा बर्तन पड़ा हुआ था। ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग क्या होता है बच्चों,
तपता हुआ या गर्माता हुआ, सिजलिंग मीन्स बच्चों क्या होता है, तपता हुआ या गर्माता हुआ। वहां पर एक बर्तन पड़ा हुआ था जो गर्म हो रहा था, सिजलिंग मीन्स गर्म हो रहा था। स्पेनिश लिप्स, स्पेनिश मीन्स होता है बच्चों पालक, पालक की पत्तियों को गर्म कर रहा था। वहां पर क्या था बच्चों, एक लार्ज बड़ा बर्तन था जिसमें सिजलिंग हो रहा था, गर्म हो रही थी क्या, स्पेनिश लिप्स मीन्स पालक की पत्तियां गर्म हो रही थी। ऑन द ग्राउंड मीन्स जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एल्युमिनियम की प्लेटर्स बच्चों क्या होता है, आप पूछो कि प्लेटर्स क्या होता है, प्लेटर्स मीन्स होता है थाल या परात। एल्युमिनियम की एक परात पड़ी हुई थी, वहां पर नीचे क्या पड़ी हुई थी, एल्युमिनियम की परात पड़ी हुई थी। आर मोर चॉप्ड, चॉप्ड मीन्स होता है बारीक टुकड़ों में बच्चों कटा हुआ ना, चॉप्ड मीन्स क्या होता है बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, और वहां पर बारीक टुकड़ों में कटी हुई क्या थी बच्चों, सब्जियां थी। अ फ्रेल यंग वूमेन, एक नौजवान, फ्रेल मीन्स नहीं नहीं नौजवान फ्रेल मीन्स नहीं होगा, कमजोर होगा बच्चों, एक कमजोर यंग लड़की वहां पर थी। इज कुकिंग द इवनिंग मील, जो शाम के भोजन को बना रही थी। फॉर द होल फैमिली मीन्स पूरे परिवार के लिए, जो पूरे परिवार के लिए शाम के भोजन को बना रही थी। थ्रू ही थ्रू आइज फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, मीन्स वहाँ पर अब लकड़ी पे खाना बना रही है, तो मीन्स बच्चों आप समझ जाओ कि वहाँ पर धुआं भी होगा, तो उसकी आँख धुएं के साथ, उसके अपने चेहरे पर आँखों पर धुएं के साथ सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। सी इज दी वाइफ, वह पत्नी है आप मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वह क्या है, पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वर्षों में तो ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा वर्ष की तो नहीं है। सी हैज बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज दी बहू, लेकिन उसे बहू वाला सम्मान मिलने लगा है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन उसे बहू वाला पूरा सम्मान मिलने लगा है। दी डॉटर इन लॉ, वह वधू हो गई है। आप दी हाउस मीन्स इस घर की, इस घर की वह क्या है, वधू हो गई है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, उसके ऊपर तीन व्यक्तियों की क्या है, जिम्मेदारी है, उसके ऊपर तीन व्यक्तियों की पहले से ही जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, उसके पति की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, मुकेश की जिम्मेदारी है, एंड दियर फादर, और उसके पिता की जिम्मेदारी है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, बच्चियाँ बहुत जिम्मेदार होती हैं, उन्हें आप बता नहीं सकते कि कितनी जिम्मेदारी होती है। दो दो परिवार को देखना होता है, अपने आप को देखना होता है, लोगों के ख्याल को देखना होता है, पति को देखना होता है, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं बच्चियां। इसीलिए कहते हैं बच्चियां बहुत सहनशीलता होती है बच्चियों के अंदर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में फिर बात कभी करेंगे। When the older man enters, जब जो है बड़े व्यक्ति प्रवेश करते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, वह अपनी आप को छुपा लेती है उस टूटे हुए दीवार के पीछे, अपनी आप को छुपा लेती है। Brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे पर क्या कर देती है, veil means घूंघट लगा लेती है, अपने चेहरे को ढकने के लिए घूंघट लगा लेती है। As कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रीत रिवाज कहती है, जैसा कि रीत रिवाज कहता है, वह अपने जो है बड़ा जब कोई घर में आता है तो वह अपने चेहरे पे क्या लगा लेती है बच्चों, घूंघट लगा लेती है अपने चेहरे को ढकने के लिए। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो पुरुष उनसे बड़े होते थे उन सभी के सामने वधू अपने जो है चेहरे को छुपा लेती थी, घूंघट में ढप लेती थी, ऐसा वहाँ का रीति रिवाज था। अभी भी यह रीति रिवाज है बच्चों, वो तो अब कुछ कम हो गया लेकिन अभी भी यह रीति रिवाज चलती है गांव में। इन दिस केस, इस केस में दी एल्डर इज इन इम्पोवराइज्ड, एल्डर इज इम्पोवराइज्ड मीन्स होता है एल्डर इज इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, वे भी क्या होते हैं आर्थिक रूप से इम्पोवराइज्ड मीन्स होता है आर्थिक रूप से कमजोर होता है, ठीक है, कंगाल होता है, गरीब होता है। इसमें बड़े भी गरीब थे, बैंगल मेकर, वे जो है चूड़ियाँ बनाने वाले थे, मीन्स वे भी क्या करते थे, चूड़ियाँ बनाते थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई वर्षों के कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ
टेलर पहले क्या हुआ करता था, वह टेलर हुआ करता था, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद वह चूड़ी बनाने वाला हुआ। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट, वह बनाने में मीन्स पुनर्निर्माण करने में, रिनोवेट मीन्स नवीनीकरण करने में, ही हैज़ फेल्ड, वह सफल हो गया नवीनीकरण करने में, टू हाउस मीन्स अपने घर का, वह अपने घर को पुनर्निर्माण करने में असफल हो गया, नवीनीकरण करने में असफल हुआ। ही सेंड हिज टू सन्स, और अपने सन्स टू स्कूल, अपने पुत्रों को वह स्कूल भी नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज, जो वह कर पाया, इज टीच देम वाट हीज नोज, जो वह जानता था वही उन्हें क्या कर पाया, सिखा पाया। और क्या जानता था, क्या जानता था बच्चों, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स मीन्स चूड़ी बनाने की कला जो जानता था वही वह अपने बच्चों में सिखा पाया। न तो वह घर को बना पाया, न तो बच्चों वह क्या कर पाया जो है, बच्चों को स्कूल भी भेज पाया, वह कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे जो है कहानी उस परिवार की है, उस परिवार में बच्चों की, उस परिवार के बूढ़े की है, और ये चीज़ें उसने बच्चों के साथ किया हुआ है। अब चलते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग 12 पे पहुंच गए हैं, पैसेज नंबर 12 पे पहुंच गए हैं। तो पैसेज नंबर 12 पे पहुंच गए हैं, तो जो भी बच्चे फिर से एक बार करते हैं, जो भी बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। एक बच्चे की जिम्मेदारी है 10 बच्चों को शेयर करना, जिससे सभी बच्चों तक पहुँच जाए, सभी बच्चों का कुछ कल्याण हो सके। ये आपकी मानवता है, आपकी जिम्मेदारी है सभी बच्चों तक पहुँचाना, ठीक है। अब हम लोग पहुँच जाते हैं, जो मेरी मानवता है, हम अपने काम को बहुत बखूबी कर रहे हैं, ये मुझे पता है, ठीक है। अब आप अपने काम को बखूबी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो अब हम लोग चलते हैं जो है पैसेज नंबर 12 पर। पैसेज नंबर 12 पर, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यह उनका कर्म है, यह उनका भाग्य है, डेस्टिनी मीन्स भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि यही उन सभी का क्या है बच्चों, भाग्य है, यही उन सभी का क्या है बच्चों, भाग्य है। कौन कहता है बच्चों, मुकेश की दादी कहती हैं कि यही इन सभी का भाग्य है। आगे चलते हैं, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जो देखी थी हर ओन हस्बैंड, उनके खुद के पति गो ब्लाइंड, अंधे हो गए थे, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के ग्लास को जब वे पॉलिश कर रहे थे तब उसकी धूल की वजह से उनकी आंख की रोशनी चली गई थी, वे अंधे हो गए थे। किसके, ग्रैंड मदर के पति अंधे हो गए थे। फिर कहती यही उनका भाग्य है। कैन अ गॉड गिवन लीनेज, क्या ईश्वर दे सकता है, लीनेज मीन्स वंशावली के, वेर बी ब्रोकन मीन्स इस प्रकार टूटने के लिए, क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है, मीन्स ईश्वर ने जो वंश परंपरा बना दिया है क्या उसे कभी तोड़ा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा, वंशावली अर्थात तोड़ी जा सकती है। सी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मीन्स होता है अंतर्निहित, वह इसी बातों में अंतर्निहित करती हैं। बॉर्न इन दी कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स मीन्स, बॉर्न मीन्स जन्मे हैं, इन दी कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स मीन्स चूड़ियाँ बनाने वाले जाति में हम लोग जन्मे हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बैंगल्स मीन्स सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं। इन दी हाउस मीन्स घरों में चूड़ियाँ, इन दी यार्ड यागन में चूड़ियाँ, इन एवरी अदर हाउस दूसरे घरों में चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड दूसरे के आंगनों में चूड़ियाँ, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के प्रत्येक शहरों में चूड़ियाँ, ठीक है, सभी जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी। स्पैरल्स ऑफ बैंगल्स मीन्स चूड़ियों के, स्पैरल मीन्स बच्चों होता है जो गोलादार होता है, मीन्स चूड़ियों के गोलादार रूप में चूड़ियाँ, सनी गोल्ड चूड़ियाँ, पैडी मीन्स धान के कलर की हरी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू कलर की चूड़ियाँ, पिंक कलर की चूड़ियाँ, पर्पल कलर की चूड़ियाँ, एवरी कलर बॉर्न, प्रत्येक कलर जन्म लेता था आउट ऑफ 7 कलर्स मीन्स इन 7 कलरों में से प्रत्येक कलर को बनाया जाता था। लाई इन माउंट्स, बच्चों देखना, लाई इन माउंट्स, माउंट्स मीन्स ढेर होना, लाई इन पड़ी हुई है ढेर के रूप में, इन दी अनकेप्ट यार्ड मीन्स अनकेम्प्ट है, अनकेम्प्ट मीन्स अस्त व्यस्त, अनकेम्प्ट मीन्स बच्चों होता है अस्त व्यस्त, आंगन में अस्त व्यस्त सभी चूड़ियाँ इन कलरों के पड़ी हुई हैं। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, इसे
पाइल मीन्स होता है ढेर को, स्टोर को, ढेर को ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट, मीन्स हैंड कार्ट मीन्स होता है आप इसे हैंड का ठेला कह सकते हो, ठीक है। हैंड कार्ट के माध्यम मीन्स ठेले के माध्यम से, चार पहिए वाले ठेले के माध्यम से जो है इसे ले जाया जाता था, पुश्ड बाई यंग मैन, यंग मैन मीन्स नौजवान व्यक्तियों के द्वारा ढकेला जाता था, एलॉन्ग द नैरो लेन्स, इन पतली गलियों में, ऑफ द सेंट्री टाउन, सेंट्री टाउन मीन्स सेंट्री मीन्स कुटिया, इन सारी कुटियों के शहर में जो है इसे गलियों से ले जाया जाता था, एंड इन डार्क हट मीन्स, और अंधकारपूर्ण जो है हट मीन्स मीन्स बच्चों होता है जो है कह सकते हो झोपड़ी, हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स, यहाँ पर अगले ही गली में जो है उजाला था, आप फ्लिकरिंग टिमटिमाते हुए उजाले थे, आयल लैम्प मीन्स जो है तेल के लैम्प के उजाले थे, सीट बॉयज एंड गर्ल्स विद दियर फादर्स, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ बैठी रहती थी, विद दियर फादर्स मीन्स अपने माता पिता के साथ, फादर्स एंड मदर्स मीन्स अपने माता पिता के साथ, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास मीन्स कलर्ड ग्लास के जो है पीसेस को वह जो है कलर देती प्रदान करती थी, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स मीन्स चूड़ीदार मीन्स चक्करदार चूड़ियां वे बनाती थी, दियर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें एकदम समायोजित हो गई थी, टू द डार्क देन द लाइट ऑफ आउटसाइड मीन्स अंधेरे के साथ पूरी तरह समायोजित हो गई थी, टू द लाइट ऑफ आउटसाइड मीन्स बाहर के प्रकाश की तुलना में अंधेरे के साथ उनकी आंखें जो है समायोजित हो गई थी। अब ये बात आप लोग मुझे मत कर देना कि सर जी आप 2 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं तो आपकी भी आंखें अंधेरे से समाहित हो गई हैं, ऐसा मुझे मत कर देना बच्चों, ठीक है। दैट इज वाई, यही वह कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग दियर आईसाइट, इसी वजह से वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट मीन्स बड़े होने से पहले ही, एडल्ट मीन्स जवान, जवान होने से पहले ही, इसीलिए वह अपनी आंखों की रोशनी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। बच्चों ये हो गया पैसेज नंबर 12। अब पैसेज नंबर 13 पे चलते हैं, एक मिनट बात कर लेंगे आपसे, फिर पैसेज नंबर 13 पे चलेंगे। बच्चों 13 नंबर पैसेज पे, आपके 13 नंबर चलने से पहले जो भी बच्चे आप 13 अगर 12 तक तैयार हो गया तो इसे एक दो शिफ्ट में देख सकते हो, और वर्ड मीनिंग आप खासकर लिखते चलना, वर्ड मीनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वर्ड मीनिंग आप खासकर इसे लिखते चलना, वर्ड मीनिंग अलग अलग मत करना, वर्ड मीनिंग जो फंसे जो है हमने हर वर्ड की मीनिंग बताया है आप उसी समय लिखते चलना, ठीक है। और फिर चलते हैं हम लोग पैसेज नंबर 13 पे चलते हैं। सविता या यंग गर्ल, सविता एक नौजवान युवती थी, इन ड्रैब पिंक ड्रेस, गंदे, ड्रैब मीन्स गंदे पिंक कलर का गुलाबी रंग की ड्रेस मीन्स पोशाक पहनी हुई थी, कपड़े पहनी हुई थी, सविता एक नौजवान लड़की भद्दे गुलाबी रंग के कपड़े पहनी हुई थी, सिट्स एलॉन्ग साइड, वह बैठी हुई थी, एंड एल्डरली वुमैन, एक बड़ी काफ़ी बड़ी बूढ़ी स्त्री के पास वह क्या हुई थी, बैठी हुई थी, शोल्डरिंग, शोल्डरिंग मीन्स बच्चों क्या होता है, टांके जोड़ना मीन्स जोड़ना, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास मीन्स, वह ग्लास मीन्स कांच के टुकड़े को क्या कर रही थी, सोल्डर कर रही थी अर्थात जोड़ रही थी, वह क्या कर रही थी, कांच के टुकड़े को बच्चों क्या कर रही थी, जोड़ रही थी, कौन जोड़ रही थी, सविता, सविता कांच के टुकड़े को जोड़ रही थी, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ यंग मैकेनिकली मीन्स यंत्रवत चलते थे, लाइक द टांग्स, टांग मीन्स बच्चों क्या होता है, चिमटे के समान, चिमटे के समान जो है उसके हाथ कैसे चलते थे बच्चों, यंत्रवत चलते थे, ऑफ अ मशीन, एक मशीन की तरह यंत्रवत चलते थे, आई वंडर, मुझे आश्चर्य था, इफ सी नोज द सैनिटिटी ऑफ द बैंगल्स, यदि वह इस बैंगल मीन्स चूड़ियों के पवित्रता, सैनिटिटी मीन्स होता है पवित्रता के बारे में जानती, सी हेल्प्स मेक, तब वह इसे बनाती, इट सिंबलाइज, यह प्रतीक है एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक स्त्री के, एक भारतीय स्त्री के सुहाग की यह पहचान है, क्या है, जो चूड़ियां हैं भारतीय स्त्री के सुहाग की पहचान है, इसीलिए जब स्त्री के पति मर जाते हैं या हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो चूड़ियां वे तोड़ देती है, स्त्री अपनी चूड़ियां जो है तोड़ देती है, यही वजह है
कि तभी कहते हैं यह एक स्त्री का सुहाग का प्रतीक होता है। जब तक उसका पति जीवित है तब तक वह चूड़ियाँ पहनती हैं, तो यह चूड़ियों का धार्मिक महत्व बड़ा है, ठीक है, कि चूड़ियाँ जो है वे तभी पहनती हैं जब उनका पति जीवित होता है। एंड आस्पासियसनेस, आस्पासियसनेस होता है शुभ है, यह शुभ है इन मैरिज में, शादी में भी, और शादी में भी यह चूड़ियाँ शुभ होती हैं, शादी में ही लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं ना। अब कोचिंग में तो लड़कियाँ चूड़ियाँ पहन के तो नहीं आएंगी, ऐसा तो होता है क्या लड़कियाँ कोचिंग में चूड़ियाँ पहन के आ जाएं, ठीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, यह उसके ऊपर थोप दिया जाएगा, आ जाएगा सडनली में, अचानक, वन डे में से एक दिन, ये सारी चीज़ें उसके साथ भी एक दिन आ जाएंगा। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, जब उसके सर को ड्रेप्ड मीन्स ढक दिया जाएगा, विथ अ रेड वेल, एक लाल घूंघट से, जब उसके सर को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड, उसके हाथ को कलर कर दिया जाएगा रेड विथ हिना, मेहंदी के लाल कलर से, मेहंदी के लाल कलर से जब उसके हाथ को रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट, और इसके लाल लाल कलर की जो है चूड़ियाँ उसके कलाइयाँ पर बध जाएंगी, तो वह समझ जाएगी कि इस चूड़ियों का क्या महत्व होता है। जैसे एक गाना था, मेरे पिया जाना रंगून वहाँ से लेके आना लाल लाल चूड़ियाँ, ठीक है। चलो आगे, सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक दी ओल्ड वूमेन, उस बूढ़ी स्त्री के समान, बिसाइड सर, जो उसके बगल में बैठी हुई है, हु बीकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो वह भी बनी हुई थी कई वर्षों पहले, सी स्टील हैज बैंगल्स, उसके पास अभी भी चूड़ियाँ हैं, ऑन हर रिस्ट मीन्स उसके कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में कोई रोशनी, कोई चमक नहीं है। अब भैया शादी पता चले 25 साल हो गया, चमक हमेशा बना रहेगा, ठीक है। उसके हाथों अब ये तो चूड़ियाँ इस बच्ची के हाथों में है, सी हैज लाइट इन हर आइज, नो लाइट इन हर आइज, उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और कहती क्या है, एक वक्त शेर खाना भी नहीं खाया, मीन्स एक वक्त भी अभी मैंने खाना नहीं खाया है। सी सेज वकती इन अ वॉयस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मीन्स ऐसी आवाज के साथ चुप, जिसका खुशी चली गई हो, ऐसी आवाज के साथ, ड्रेन मीन्स खुशी चली जाना, ऐसी आवाज के साथ कहती है कि मानो उसका नीरस भरी आवाज के साथ कहती है कि अभी मैंने एक वक्त शेर का भी खाना भी नहीं खाया है, मीन्स एक वक्त का खाना भी नहीं खाया है। सी हैज नॉट इंजॉयड देम वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, मीन्स पूरे जीवन काल में वह जो है एक मील का खाना भी जी भर के नहीं खाई थी, मीन्स इतनी थकी, इतनी बेचारी गरीब थे कि एक मील का खाना भी पूरे जीवन भर जो है वह खुल करके, मीन्स पूरा पूर्ण भोजन नहीं, उन्होंने एक मील का भी नहीं किया था, मीन्स बहुत गरीब थे। दैट्स वाट सी हैड रीप्ड, हैज रीप्ड, यही उनकी क्या थी कहानी, रीप्ड मीन्स प्राप्त करना होता है, दैट्स वाट सी हैज रीप्ड, यही वह चीज़ था जो उसने प्राप्त किया हुआ था। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, विथ फ्लोरिंग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी क्या हो रही थी, फ्लोरिंग मीन्स लहरा रही थी, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी लहरा रही थी। आई नो नथिंग एक्सपेक्ट एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों की सिवा और कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, और जो मैंने किया हुआ है कि घर बना लिया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, मीन्स अपने परिवार को रहने के लिए, बस मैंने इतना किया है कि मैंने एक घर बना लिया है, वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पैसेज नंबर 14 शुरू करते हैं, बस 3 पैसेज और बचा है, 14, 15, 16, बस 3 पैसेज और बचा है, हम लोग क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, बस 3 पैसेज और आपका बचा हुआ है, तो जल्दी से हम लोग तीनों पैसे देख लेते हैं। हियरिंग हिम, उसे सुन करके, वन वंडर्स, यह आश्चर्य हुआ, इफ ही हैज अचीव्ड, क्या उसने प्राप्त कर लिया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, जो बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन काल असफल हो जाते हैं, क्या उसने उस चीज को प्राप्त कर लिया है। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर एक क्या है, छत है।
क्या बहुत सारे लोग क्योंकि जीवन में एक मकान तक नहीं बनवा सकते हैं और उसने मकान बनवा लिया है, तो क्या वह जो है अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? यही बात कह रही है। ठीक है, उसने क्या कहा कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों ने पूरा जीवन में हासिल नहीं किया है। ठीक है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे के लिए, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे के लिए नहीं चिल्लाना, टू डू एनी थिंग, कुछ भी करने के सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, इस बिजनेस को हमेशा चालू रखते थे कि जो है कि क्या कर, किसकी बिजनेस को, मीन्स बैंगल्स, चूड़ियों के बिजनेस को, नॉट इवन इनफ टू इट, यद्यपि उससे पर्याप्त खाना भी नहीं मिल पाता था, रिंग्स इन एवरी होम, लेकिन फिर भी प्रत्येक घरों में चूड़ियाँ थी। द यंग मैन, वह नौजवान व्यक्ति, इचो, इको मीन्स होता है गूंज, प्रध्वन, इकोज द यंग मैन, इकोज द लैमेंट, गूंज, दुख की गूंज चल रही थी, देयर एल्डर्स मीन्स उसके बड़ों से, अब इसे यहाँ देखना, मीन्स उस युवा लोगों को अपने बुजुर्गों के दर्द की प्रध्वन करते थे, दर्द को ही प्रतिध्वनित करते थे, मीन्स अपने युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रध्वनित करते थे। इको मीन्स जो है कहते हैं प्रध्वनित करना, लैमेंट मीन्स दुख को। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, छोटे समय के साथ चले गए थे। ठीक है, लिटिल has moved with time, नहीं एक मिनट, little has moved with time, बहुत कम समय के साथ बदला था, it seems in फिरोजाबाद, यह फिरोजाबाद में प्रतीत होता है, दिखता है, years of mind numbing, कई वर्षों तक Toil have killed all initiative and ability to dream. अब ध्यान देना, चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहले करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया गया है। ये हो गया बच्चों आपका पैसेज नंबर 14। अब हम लोग पैसेज 15 चलते हैं। ये छोटा सा पैसेज है, 2, 15, 16 दोनों छोटा छोटा पैसेज है, 5-5 मिनट में दोनों कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों अब हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 15 पे। पैसेज नंबर 15 क्या है, जल्दी से, छोटा सा पैसेज है, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। वाई आर नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों आप इकट्ठा नहीं हो जाते हो, योरसेल्फ मीन्स अपने आप को, इनटू अ कोऑपरेटिव मीन्स एक सहकारी समिति बना लेना, क्यों आप एक सहकारी मीन्स सहयोगी समिति क्यों नहीं बना लेते हो। वह स्त्री जो है, वह मैडम साहिबा जो है, उन व्यक्तियों से कहती हैं कि आप लोग क्यों अपना एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हैं, एक समिति क्यों नहीं बना लेते हैं, एक सहयोगी समिति क्यों नहीं बना लेते हैं। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक नौजवान व्यक्तियों के समूह से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो बझा हुआ था, विशियस सर्कल मीन्स होता है दुष्चक्र में, जो दुष्चक्र में फंसा हुआ था मिडल मैन मीन्स मध्यम वर्ग के, जो मध्यम वर्ग के जो है किस में फंसा हुआ था, दुष्चक्र में फंसा हुआ था। हु ट्रैप्ड हिज फादर्स एंड फोर फादर्स, जो अपने अपने हु ट्रैप्ड हिज फादर्स, जो अपने पिता को और हिज फोर फादर्स मीन्स अपने पूर्वजों को, ईवर इफ वी वर गेट ऑर्गेनाइज्ड, जो अपने पूर्वजों और पिता और पूर्वजों के किससे फंसा हुआ था, उनके जो है पिता और पूर्वजों के जाल में फंसा था। ठीक है, जाल में फंसा हुआ था। इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम इकट्ठा हो जाएं या संगठित हो जाएं, वी आर दी वंस, हम ऐसे हैं हु विल बी हॉल्ड अप, हॉल्ड मीन्स बच्चों क्या होता है, हॉल्ड अप मीन्स होता है पेश किया जाना, Who will be hauled up by the police, जो पुलिस के द्वारा पेश किए जाएंगे, beaten, पीटे जाएंगे, and dragged, और घसीटे जाएंगे, to jail, जेल में भी घसीटे जाएंगे, for doing something illegal, कुछ अनैतिक कार्य करने की वजह से हम लोग पुलिस के द्वारा जो है hauled up means घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे, और कहाँ घसीटे जाएंगे, जेल में घसीटे जाएंगे। ये हो गया आगे, no one, कोई नहीं है, No one who could help them, उनकी मदद कर सके, see things differently, और चीज़ों को भिन्न रूप से सोच सके, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके और चीज़ों को भिन्न रूप से सोच सके।
Their fathers are as tired, उनके पिता ऐसे जो है ऐसे थक चुके हैं, as they are, जैसे कि वे लोग हैं। उनके मीन्स पिता लोग भी ऐसे थक चुके हैं जैसे वे लोग हैं। They talk endlessly, वे अनवरत बातें करते रहते हैं। इन स्पाइरल, स्पाइरल मीन्स कुंडली नुमा, वे कुंडली नुमा मीन्स अटेक बातें बोलते रहते हैं। मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी गरीबता से जो है गरीबता से मूव्ड कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। टू एपैथी, एपैथी मीन्स उदासीनता की तरफ। टू ग्रीड, टू इनजस्टिस, ठीक है, उदासीनता की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। उदासी और उदास, टू एपैथी टू ग्रीड, और एपैथी मीन्स उदासीनता से लालच की तरफ बढ़ जाएंगे। एंड ग्रीड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं, कैसे दुष्चक्र है, स्पाइरल कैसे है, कुंडली नुमा कैसे है, ठीक है। गरीबी से उदासीनता मीन्स पॉवर्टी टू एपैथी, गरीबी से उदासीनता। अपैथी टू ग्रीड मीन्स उदासीनता से ग्रीड मीन्स लालच की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीड टू इनजस्टिस में, और लालच से कहाँ बढ़ जाते हैं, अन्याय की तरफ बढ़ जाते हैं। ये बच्चों आपका हो गया पैसेज नंबर 15। अब लास्ट पैसेज आपका है बच्चों, ये देखिए, ये है, ये देखिए बना रहे हैं हम, बैंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब पैसेज नंबर 16 आ जाते हैं बच्चों, यही लास्ट पैसेज है आपका, 16 लास्ट पैसेज है। तो 16 नंबर पैसेज पे चलने से पहले थोड़ा सा आपसे बातें कर लिया जाए, फिर उसके बाद लास्ट पैसेज पढ़ा जाता है। अब बच्चों हम लोग अंतिम पैसेज पे पहुंच गए हैं, अंतिम पैसेज पे पहुंच गए हैं, लास्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 16 आपका लास्ट पैसेज है। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक भी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अवश्य शेयर करें, वीडियो को अवश्य शेयर करें। जो भी आपके कक्षा के साथी हों, जो भी आपके जितने भी कक्षा के साथी हों, ठीक है, चाहे आप लड़के हों, लड़कियां, चाहे जो भी हों, दोनों लोग से ये निवेदन है कि जितने भी बच्चे हैं वो जो है आप अपने साथियों के साथ वीडियो को अवश्य शेयर करें। एक लोग जो है अपने 10 साथी तक अवश्य वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो जिससे सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच जाए, सभी के लिए लाभकारी हो, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो है, पूरा जो है आपका एक्सप्लेनेशन है। देखिए पूरा मच्छर टहल रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे का वीडियो, पूरा आपका जो है इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, कोई कुछ नहीं छोटा है, एकदम बेहतरीन ढंग से हमने देने की कोशिश किया है कि कोई चीज़ आपको छोटे ने, हर हर वर्ड, हर टफ वर्ड मीनिंग हमने आपको बताया है। आप वर्ड मीनिंग को अपने लिख लेना, नोट्स भी बनाते रहना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि इस वीडियो में आपको कहीं कोई समस्या आई या फिर नहीं समस्या आई, क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई, ये सारे आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर रखना, ठीक है। अब हम लोग पैसेज नंबर 16 पे चलते हैं, और आप इसे 2-3 टुकड़ों में देख सकते हैं वीडियो को, कोई बात नहीं, आपको जैसे सुटेबल पड़े, एक बार में आप देख ले रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना करिएगा वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। और इतना ही कहेंगे आपको, वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, और कुछ नहीं कहेंगे कि हमने कितनी मेहनत किया, हमने ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, बस यही कि आप वीडियो को शेयर अवश्य करना, ठीक है। अब चलते हैं पैसेज नंबर 16 पर। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद, लिसनिंग टू देम मीन्स उनको सुनने के बाद। आई सी, मैंने देखा, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, दो अलग अलग संसार को, उनके सुनने के बाद। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, हमने दो अलग अलग संसार को दो देखा। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अस्पष्ट भी होता है और अलग अलग भी होता है। हमने दो अस्पष्ट संसार को देखा या दो अलग अलग संसार को हमने देखा। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार है, कॉट इन अ वेब, वेब मीन्स होता है जाल, जो जाल में फंसा हुआ है, पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी के, एक ऐसा परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाई द स्टिग्मा मीन्स भारित कर दिया गया है, बाई द स्टिग्मा मीन्स दाग से, आप कास्ट मीन्स जात के दाग से उसे भारित कर दिया गया है। इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वे क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा दुष्चक्र है, विशियस सर्कल मीन्स दुष्चक्र है आप साहूकार मीन्स साहूकारों का। द मिडल मैन मीन्स मध्यवर्गीय व्यक्तियों का, पुलिस मैन मीन्स पुलिस वाले व्यक्तियों का। द कीपर्स ऑफ लॉ मीन्स नियम के जो संरक्षक हैं उनका जो है। दी ब्यूरोक्रेट्स मीन्स अफसरशाहों का, दी पॉलिटिशियन मीन्स नेताओं का, दूसरा समूह किसका है, इन सभी लोगों का दूसरा समूह है।
टूगेदर दे हैव इम्पोज्ड, दोनों मिल करके दबा दिए हैं, दी बैगेज मीन्स इन भिखारियों के, ऑन द चाइल्ड इन भिखारियों के बच्चे को, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, सबसे बड़ा वर्ड आ गया पुट डाउन मीन्स जिसे वे उतार नहीं सकते हैं, पुट डाउन मीन्स होता है बच्चों उतारना, जिसे वे उतार नहीं सकते हैं, बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वह इनके बारे में जागृत होंगे, मीन्स उन भिखारियों की बात हो रही है, इन बच्चों की बात हो रही है, बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वे जागृत होंगे इसके बारे में, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर, वे इसे प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेंगे जैसे उनके पिता ने इसे स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करने के बजाय, वुड मीन टू डेयर, कुछ न करने के बजाय कुछ साहस दिखाया जाए, सबसे बड़ी बात इस लाइन को समझिए, कुछ न करने के बजाय क्या किया जाए, कुछ चुनौती पेश किया जाए, साहस दिखाया जाए, एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और ऐसा फिर उनके उन्हें सिखा दिया जाता है कि साहस करना, चुनौती देना उनके व्यवहार के अनुरूप नहीं है, उनके स्वभाव के अनुरूप नहीं है, उनका आचरण व्यवहार यह नहीं है। When I sense a flash, जब मैं एक प्रकाश पाती हूँ, ऑफ इट मुकेश, मुकेश में जब मैं इस चीज़ की एक आग देखता हूँ, आई एम चीयर्ड, तब मुझे प्रसन्नता होती है, मीन्स मैं मुकेश में देखती हूँ इसकी एक चमक रहती है, मीन्स मुकेश विरोध करने वाला था, तो मुझे क्या होती है, बड़ा प्रसन्नता होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह विरोध क्या करता है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा। ही रिपीट्स, वह फिर दोहराता है, ही विल गो टू गैरेज, वह गैरेज में जाएगा एंड लर्न और सीखेगा, गैरेज होता है जहां गाड़ियां बनाई जाती हैं, वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है उसके घर से काफी दूर था। आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊंगा, ही इंसिस्ट, वह जिद करता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम सपने देखते हो, आप फ्लाइंग अ प्लेन मीन्स एक प्लेन उड़ाने की, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने के सपने देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक एकदम शांत हो जाता है। नो ही सेज स्टेरिंग द ग्राउंड, जमीन को घूरते हुए वह कहता है नहीं, स्टेरिंग द ग्राउंड मीन्स जमीन को घूरते हुए कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी छोटी सी आवाज़ में, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, उसे एक शर्मिंदगी थी, अपनी इस मर्मर में, अपनी इस आवाज़ में एक शर्मिंदगी थी, दैट इज नॉट एट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी दुख में नहीं परिवर्तित हुई थी। ये कहते हुए उसमें एक शर्मिंदगी थी, जब उसने यह कहा, जमीन को देखने लगा, उसने मना किया, तो उसकी इस आवाज़ में एक एम्बैरेसमेंट मीन्स शर्मिंदगी थी, लेकिन अभी यह शर्मिंदगी पश्चाताप में नहीं बदली थी, क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा तब इस चीज का पश्चाताप करेगा कि हम इस यहीं से उठे थे, यहीं पर रह भी गए। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स मीन सपन, कारों के बारे में स्वप्न देखने में वह संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग, जो वह देखता है, हर्टलिंग सीज हर्टलिंग, हर्टलिंग एक वर्ड आया है, हर्टलिंग मीन्स होता है तेजी से आना, जो तेजी से आते हुए कारों को वह देखता है, हर्टलिंग मीन्स बच्चों क्या होता है, तेजी से आते हुए, जो तेजी से आते हुए कारों को देखता है, डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने शहर के सड़कों से, जो अपने शहर के सड़कों से तेजी से आते हुए कारों के स्वप्न को देखता है और वह उसी में संतुष्ट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन क्या होती हैं, उड़ती हैं, मीन्स उसके ऊपर फ्यू लग गया है, अब फ्यू दी फ्यू कुछ नहीं है, तो इसलिए नहीं के बराबर हो गया है, ये निगेटिव सेंस दिखा देगा। तो फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद मीन्स फिरोजाबाद की जमीन से कोई वायुयान उड़ते नहीं है, मुश्किल से उड़ते हैं, मीन्स कोई वायुयान उड़ते नहीं है। तो बच्चों ए हो गया आपका चैप्टर समाप्त, बोलो सियाराम की जय। ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, इसके हर जो है वर्ड की मीनिंग सहित हमने आपको बताने की कोशिश किया हुआ है। ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हुआ, अब आप जो है लास्ट स्प्रिंग का पूरा हमने एक एक शब्द के साथ हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पूरी मेरी मेहनत आपको पसंद जरूर अवश्य आएगी, ठीक है, ऐसा उम्मीद करते हैं, और आपसे इतना ये भी उम्मीद करते हैं आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जो भी आपके साथी यार हैं, जो भी बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में हैं, आपके घर के हों या फिर कुछ भी आपके परिचित हों, सभी को इन चैनल
चैनल के माध्यम से जोड़ोगे, क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th की सारी क्लासें इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश के प्रदान की जाएंगी। अभी तो इंग्लिश की प्रदान की जा रही हैं, बाकी आगे देखा जाएगा, हो सकता है और सब्जेक्ट की क्लासें चलवाएं। जैसा भी आपको सपोर्ट रहेगा वैसे ही चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले बात, सभी बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th के सारे बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ोगे, क्योंकि आपकी सभी की क्लासें इंग्लिश के इसी चैनल के माध्यम से आपको हर एक शब्द के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, पूरी उतनी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ इस चैनल के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। अब मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, फिर एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कराएंगे, फिर लैंग्वेज स्टडी कराएंगे, जितने इसके पोर्शन हैं बच्चों सारे पोर्शन कराएंगे। तब तक लिए टेक केयर बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप लोग बच्चों पढ़ते भी रहो, आप लोग मस्त रहो, स्वस्थ।